हेलो हाय। इस बात में कितनी सच्चाई है सर कि आपने बिना किसी फी के ये गाना डायरेक्ट किया है? बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। मैं चेक का वेट कर रहा हूँ पर अभी तक मिल नहीं रहा, तो आई थिंक दे हैव जस्ट टोल्ड मी दैट आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। ये आपको बाद में काम करने के बाद बताया? गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है। अच्छा एक और द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो, ये जो वीडियो है इसमें जो तीन लेडीज हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, जो गॉगल्स पहन के ऐसा, साड़ी पहन के ऐसा? सी बेसिकली द कॉन्सेप्ट शुड अप्लाई फॉर एवरीबॉडी, सो दोज हु कांट गेट द थ्री टॉप हीरोइंस देयर इज स्टिल होप फॉर देम, सो वी हैव केप्ट एवरीबॉडी इन माइंड, यू नो, सो इट्स अ यूनिवर्सल लर्निंग व्हिच वी ट्राई टू गिव एवरीबॉडी, यू नो, जिनके लिए लीडिंग लेडीज। या बिकॉज़ हर्ष एंड आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैटेगरी ऑफ पीपल, सो वी सेड व्हाई नॉट। चलो इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए मूवी के डायरेक्टर साहब को ही बुला लेते हैं। मिस्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी अप ऑन स्टेज प्लीज। मुझे अभी बाहर मिले हर्ष, उन्होंने कहा आज मैं तैयार हो के आया हूं। नहीं नहीं मैं तैयार नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर्ष ने आज शूज पहने तो बहुत बड़ी बात है। नहा दो क्या है, ऐसा पोल मत खोल यार। अच्छा देखिए, आप लोग काफी मौजूद थे पिछली बार जब हम यहाँ स्टेज पर खड़े थे और मैंने हर्ष से आज सवाल पूछा था कितनी ऑटोबायोग्राफिकल है ये मूवी, और हर्ष ने तब कह दिया था कि नहीं 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 मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे हुआ था, तो मैंने ऐसे ऐसे जो भी बोलते हैं ना मेरे फ्रेंड्स के साथ वो झूठ बोल रहे होते हैं, एवरीबडी इज लाइंग, यूनिवर्सल ट्रूथ। बट ये जो मैनुअल है जिसमें तीन पॉइंट्स है कि पहले ये करना है, फिर ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, ये आपके ट्राइड एंड टेस्टेड है कि नहीं, ये बताइए। ये भी दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसे सब करने से होता है, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कभी उसको मतलब मुझे तो यूज नहीं हुआ है अभी तक तो। सच्ची सच्ची मैं बहुत अंडरड्रेस करता हूं, अंडरड्रेस करता हूं, अंडरड्रेस चोर की दाढ़ी में मैं कोशिश बहुत करता हूं। अब कपड़े पहनना स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा चलिए, बिकॉज़ ये म्यूजिक लॉन्च है, अभी जरा हम म्यूजिक की टीम की तरफ बढ़ते हैं। वो इंसान जिनका नाम तो है साइलेंस पर उनका काम है म्यूजिक बनाना, कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर खामोश शाह ऑन द स्टेज प्लीज। सर हेलो एवरीबॉडी, असली अग्नि परीक्षा तो आपकी है, अभी एक एक करके गाने आने शुरू हो रहे हैं, अभी हम ऐसे मतलब रेडियो पे भी बजाना शुरू करेंगे। अच्छा। कितना डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एकदम इतना सारा। अच्छा, दिख नहीं रहा मेरे आंखों में डर, झांक के देखिए, लिटिल बिट चिपक के देखिए, लास्ट टाइम बोला था ना चिपक के गाने बनाए। सर आहट में वो काम करते थे, उनका काम है डराना। नहीं नहीं डर, हाँ डर तो लगता है, डर नहीं लगता बट हाँ यस आई एम एंग्शियस एंड आई एम क्यूरियस कि क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है हमारे, बहुत ज़्यादा म्यूजिकल। आई शुड स्पेशली से कीर्ति नाखवा जो प्रोड्यूसर है, एक्चुअली एडिटर भी है मूवी के, उन्होंने इतना ही सच अ नाइस साउंडिंग बोर्ड, सो ही इज गिवन मी सच ग्रेट फीडबैक, सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट देयर आर अ कपल ऑफ सॉन्ग्स दैट विल वर्क एंड पीपल विल लाइक देम एंड या I mean, Harshvardhan Kulkarni also has a great sense of humor. Sense of music. Sorry, the undress thing happened with me too. So he likes to I undress. I really sing well. He sings well. So, but Kirti Nakwa has been a great sounding board always, and he's like given me solid feedback. So yeah. आपने पिछली बार हमारे प्रेस के भाई बहनों के सामने कहा था कि 7.5 गाने हैं इस पिक्चर में. हाँ. 7.5. तो ये पूरा फुल गाना करेक्ट, तो इसको अभी जो हम लॉन्च करें क्योंकि सबके सामने द स्कोरिंग सॉन्ग, इसका म्यूजिक स्कोर करते हुए एनीथिंग पर्टिकुलर दैट यू केप्ट इन माइंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर साहब और इस पूरी पिक्चर फील के अनुसार? फील के अनुसार ऐसा था कि दिस सॉन्ग वाज सपोज टू बी अ रेट्रो सॉन्ग एंड इट्स वाज सपोज टू बी अ पेपी सॉन्ग एंड इट हैड टू गो विद द नैरेटिव ऑफ द फिल्म, काफी चीजें थी तो हाँ, और इट वाज अ रेट्रो सॉन्ग सो 80s 90s और मेरे तो दिमाग में बप्पी दाई चल रहे थे, किंग ऑफ डिस्को और उस टाइम के जो गाने थे उनके, तो बस मैंने ऐसे सोच के लिरिक्स विजय मौर्य जी ने लिखे हैं और जैसे लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, और या आई जस्ट टुक द लिरिक्स एंड आई कंपोज इट, सो लेट्स सी द वर्डिक्ट हाउ पीपल लाइक इट और नॉट, आई एम श्योर दे गोना लव इट, आई लव द सॉन्ग, आई हैव बीन हमिंग इट ऑल डे लॉन्ग, इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ मूवी की स्टार कास्ट को जो आज पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद है, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलशन देवाया, तालियां बजाओ यार एवरीवन। आई'd लाइक टू कॉल मिस राधिका आप्टे, मिस साई तमनकर एंड वीरा सक्सेना, द वन विद द ब्यूटिफुल हेयर,
आप लोगों को पता है कि आपकी गैर मौजूदगी में वन मोर हंसा हंसा अरे प्लीज ऑफ कोर्स ओ हंसनी ओ आप लोगों को मालूम है आपकी गैर मौजूदगी में पिछली बार क्या कर रहे थे मीडिया के आगे? जी बिल्कुल खबर पहुंची आप तक जी बिल्कुल हमने देखा भाई यूट्यूब पे जी 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 और फिर कुछ तो मेथड एक्टिंग क्या था मेथड एक्ट आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन वासुगिरी नहीं नहीं ऐसी कोई वासुगिरी नहीं होने वाली है मैं यहाँ दूर खड़े होकर सवाल पूछती हूँ ओके गुलशन नहीं अच्छा यार ये बताओ गुलशन कि अभी सर ने हर्ष ने बोला कि ये जो तीन स्टेप्स है ये इनके दोस्तों की लाइफ से इंस्पायर्ड है फलाना फलाना जब आप सिंगल थे जी उस जमाने में आपने ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ ये कि गो फॉर द सेकंड बेस्ट अंडर ड्रेस टू इम्प्रेस रन व्हेन इन ट्रबल सोचता तो बहुत था मैं बहुत सारे आइडियाज थे वैसे ढासू आइडियाज लेकिन करने में हिम्मत नहीं होती थी क्यों तो हिम्मत नहीं है मतलब वैसे फट्टू आदमी को और क्या कहेंगे बस हिम्मत नहीं था हिम्मत नहीं थी नहीं लड़कियों को तो बहुत देखता था मैं अरे वो बहुत क्यूट है मे बी आई शुड गो एंड टॉक टू हर यू नो लेकिन कभी मैं बोल नहीं पाया तो सक्सेस रेट बहुत कम था बहुत कम सक्सेस रेट राधिका विल नो दिस लेकिन कभी बोल नहीं पाया है ना इट्स एन इंटरनल जोक बिटवीन अस सक्सेस रेट वाज लाइक जीरो निल जीरो बट एज अ नाटक ये लड़की कैसे पट गई आई हैव नो आईडिया मतलब माशाल्लाह देखिए आई हैव नो आईडिया ऐसे ही बात कर रहे थे अचानक से प्यार चलो लकी लकी आदमी सबके लिए कोई है ना लकी मैन जिसकी भी शक्ल देखकर आप उठते हैं उठे तो उस टाइम पे रोज सुबह उनकी तस्वीर लगा लीजिए लंगूर को भी एक नूर मिल गया बहुत अच्छा हुआ सर बहुत मतलब भगवान करे आपकी जैसी किस्मत सबको राधिका हाउ फन वाज दिस फॉर यू दिस सिंगिंग डांसिंग गोइंग ऑल आउट एज कमर्शियल एज पॉसिबल दिस वाज सो मच फन एंड एक्चुअली दिस वाज नॉट व्हाट हर्ष लेट अस डू माइक 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 एक्चुअली हर्ष डिड नॉट लेट अस डू दैट एट ऑल इन द फिल्म लाइक एट ऑल Like there was anything that he remotely thought was dressing up was taken out instantly. ये क्या लग रहा है क्या लग रहा है निकालो निकालो ये क्या किया है I used to get really panicked क्या हो गया you know, I used to feel like कुछ तो गड़बड़ हो गया पूरा set पे तो यहाँ पे Viral ने Viral gave us exactly to compensate the complete freedom to freak out क्योंकि जितना सीरियस आप जितना ड्रेस डाउन किया मूवी में उतना ड्रेस अप किया इस वीडियो में या वी फ्रीक्ड आउट कंप्लीटली वी ड्रेस डाउन आल्सो फॉर द वीडियो आल्सो वेल वेल कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन द सॉन्ग एंड द फिल्म सो इट वाज अमेजिंग बिकॉज़ वी आई थिंक द कॉस्ट्यूम डिजाइनर आल्सो एंजॉयड हरसेल्फ वेरी मच विद दिस सॉन्ग तानिया फाइनली कुछ मतलब करने को मिला नहीं तो पिछले बार आपने कहा था कि वो अच्छे कपड़े पहनाती थी और उन्हें गंदा कर दिया जाता था एग्जैक्टली इसको गंदा करते उसका गंदा करते साई मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैम कि ये आप काफी समय के बाद हिंदी मूवी में एक नजर आ रही हैं कुछ सालों के बाद मतलब मैं रिस्पेक्ट से बात करती हूँ लोगों से यार कुछ समय के बाद आप हिंदी फिल्मों में हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से नजर आ रही है मराठी सिनेमा ऑफकोर्स कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस है कुछ ऐसी मूवी करने से एंड कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मूवीज दैट यू यूज्ड टू डूइंग ये मूवी डेफिनेटली डिफरेंट है बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसमें इसमें जो लोग इन्वॉल्व्ड है वो भी डिफरेंट है सो यस इट वाज अ डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस मेरी बहुत एक्सीडेंटली 11th आर पे कास्टिंग हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बहुत ज़्यादा सीखी बातें और हर बार मेकअप ना करना अच्छा होता है ये भी सीखा मैंने और व्हेन वी वर शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल टू आस्क दिस क्वेश्चन टू हर्ष but I made up my mind and I went and I said Harsh can I do my makeup today was like makeup kitna makeup matlab kya kaise to is gaane ke time pe hum log ne sari pura jo nahi kiya tha wo sab kiya hai par film mein no we there were a lot of retakes and there were a lot of yeah preparation because Vinil was directing this song na isliye makeup allowed hai because Vinil was tha ha ye wale काफी मजा आया बहुत अच्छा अरे वो तो देख के ही लग रहा है कितना मजा आया must have been a blast on the set Veera what I want to know from you is ki jab aap ye inko bhi mic de den thank you very much aapki jab casting hui us movie mein jo aapka kirdaar hai wo play karne ke liye aapko kahin na kahin ye nahi laga ki mushkil hoga to match up to the caliber of these other actresses with you Honestly, I was shitting my pants a little bit, little bit. But it was lots of fun, and I did a reading with Gulshan immediately after the after my audition. And Sai and Radhika I've known for really long, and I've seen their work and I've been around their work.
So I knew I could ask them for help and things like that. So I was a little calm. All's well that ends well, I guess. Yeah. Mazay kiye. All right, toh abhi aage badhte hain. I'd like to call up on stage three very important men. Mr. Anurag Kashyap, jo haan seat mein se ghuse hi chale ja rahe hain niche. Hansne hansne. Upar aa jaiye. He's a sloucher. Mr. Vikramaditya Motwane. And Vikas Bell, is Vikas here today? I don't see... Vikas Juhu mein atke hue. Vikas Juhu circle mein atke hue. Vaccine karwa rahe hain. Oh, kya kara rahe hain? अनुराग सर, पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट फैंटम की बाकी की टीम से, उन्होंने कहा कि ये, मैंने पूछा था कि ये मूवी जाकर अपने डायरेक्टर नीचे कहाँ चले गए? अरे नीचे नीचे क्यों चले गए सर? स्टेज के गिर भी नहीं जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. अनुराग सर, मैंने पिछली बार मैंने पूछा था कि ये फिल्म जो है जाके अपने फैमिली के साथ देखी जाए या नहीं, तो मुझे जवाब ये मिला कि अगर फैमिली बढ़ानी है तो ये फिल्म जाके जरूर देखी जाए. इस स्टेटमेंट से आप कितने अग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. ये फिल्म आपको काफ़ी मदद करती है फैमिली बढ़ाने में. मतलब फैमिली बढ़ाने में, मतलब बस ये है कि वो सारी फैमिली एक ही घर में है कि नहीं, ये नहीं पता चलेगा. कहाँ बढ़ रही है फैमिली? मतलब आपके आपके बीच कहाँ कहाँ हो गए ये नहीं मालूम. पर 21 मार्च को मूवी रिलीज है, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? 20 मार्च को मूवी रिलीज, सॉरी माय बैड. मुझे, मैं तो बहुत पहले एक बार एक बहुत ही, मतलब जब पोथी, जब स्क्रिप्ट नहीं थी, पोथा था, तब मैंने सुनी थी एक बार. जब ये इतनी बड़ी महाभारत थी तब मैंने एक बार सुनी थी. और फिर फाइनली जब मैंने फिल्म देखी तो मैं तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ चार बार तो फिल्म रोक के मैं हंस हंस के गिरने वाला था. वो एडिट पर देखते कम से कम चार बार मैंने फिल्म रोक की और बाहर आके जोर जोर से हंसा फिर जाके. तो ये मतलब ये हर्षी कर सकता, मतलब जिस तरह से the world that he sees and the way he sees these characters, I don't think it's a very unique thing that comes with the director. It's a very unique stamp of a director jo jin jin cheezon mein humor dhoondta hai. Aur aap isliye haste ho film mein kyunki aapko har character mein aap khud kahin na kahin dikh rahe hote ho ki ye us character ne jab bhi wo kuch nahi kar pata hai aap immediately identify karte ho. Mere sath bhi aisa nahi ho paya tha. मैं तो कह ही रही थी लास्ट टाइम कि मैंने जब ये ट्रेलर देखा सबसे पहले तो मुझे तो गुलशन के ऊपर गुस्सा आ रहा था. मन कर तो मारो जाके, बिकॉज एवरी सिंगल मैन दैट कम्स इनटू एवरी वुमन्स लाइफ कहीं ना कहीं उसका वो दिखाई देता है. हाँ, वो है किरदार के अंदर. यार मैं किरदार निभा रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. मारा नहीं ना आगे. मतलब इस कंट्री का हर इंडियन मिडिल क्लास आदमी गुलशन के कैरेक्टर में. विक्रम, वन क्विक क्वेश्चन फ्रॉम यू. नाउ दैट हम म्यूजिक को लॉन्च कर रहे हैं, म्यूजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके आगे, आपका फेवरेट गाना कौन सा है पूरी एल्बम में से? ये हंटर. हंटर 303. ऐसा क्यों? व्हाई दिस पर्टिकुलर सॉन्ग? बिकॉज़ ऑफ बपीदा. ऑलराइट, मूविंग ऑन. मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर कीर्ति नकवा को एंड शिमारू से केतन भाई, जी म्यूजिक से मिस्टर अनुराग बेदी. एंड नाउ दैट एवरीबॉडी इज हियर, the man of the hour, the moment we've all been waiting for, kya main stage par please bula sakti hu Mr. Bappi Lahiri. Can we have the CDs please? Bappi da everyone. All the best. Thank you sir. All the best. Oh, thank you. Vikram ji kahan? एक छोटा सा सवाल दादा आपसे. एक छोटा सा सवाल आपसे, जब खामोश आए आपके पास इस गाने को लेकर, सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया ये लिरिक्स को पढ़ के कि आपको ये गाना गाना है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, ये गाना तो गाना है, हम लोग पिक्चर देख के नहीं गाते हैं. खामोश जब ट्यून सुना है बहुत अच्छा लगा, रेट्रो फीलिंग जैसा 80s का 90s का एक फीलिंग लेके आया. ये ठीक है. हेलो, रेट्रोस का फीलिंग था और बहुत मज़ा आया गाना सुन के, ट्रैक सुन के. तो और गाना पढ़ने का बाद मैं, देखिए बहुत, मैं समय का साथ चलता हूँ, चाहे मेरा 42 इयर्स हो गया लेकिन मैं समय का साथ चलता हूँ. 80s में जो गाना, 70s में जो चलते चलते किया, तो मैं चलते रहता हूँ. और ये गाना जो है
आई एम लॉर्ड कामदेव जो लाइन है तो उसमें मेरा मैं समझ गया क्या कैरेक्टर है, हीरो का क्या कैरेक्टर है. तो इंग्लिश में प्लेबॉय बोलते हैं, जो कुछ भी बोलिए, बट इसमें एक नयापन है. और सबसे बड़ी बात जो है, ये पिक्चर के पीछे जो जो है, हर्षवर्धन जी, स्पेशली अनुराग जी, विक्रम जी, दे सो टैलेंटेड पीपल इंडस्ट्री का. तो मैं तब समझ गया ये गाना डेफिनेटली चार्ट के नंबर वन होगा. क्या बात है, जोरदार ताली वाला है. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू. नाउ लेट्स जस्ट, कैन वी हैव द सीडीज नाउ? राइट हमारे ख्याल से हमारे यहाँ पे माइक्स मौजूद हैं. अगर हमारे भाई बहन कुछ सवाल पूछना चाहें. अच्छा सर, स्टार कास्ट नहीं, पहले सवाल जवाब पूछ लेते, फोटोज लेते रहेंगे. अच्छा आपको, आप बिजी हो, सॉरी सर. अच्छा एटलीस्ट लेट्स गेट द माइक्स रेडी. चेक चेक रेडी. मैं थोड़ा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरा पास में जो खामोश है, बहुत अच्छे सिंगर हैं. ही हैज सैंग वेरी गुड इन दिस फिल्म. आई हर्ड दिस सॉन्ग और सभी गाना बहुत अच्छा हुआ. मेरा पूरा ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर. थैंक यू हंटर 303. Yeah, yeah. So if we have any questions, anyone? Sir, mic ek bhi rakhe. Photographer bhaiyo, please. Yeah, I would actually like to also ask Uma, Geeti, please come, please come. They're the choreographers of. Come. Please come, please come. They have done the. Yay.
के अभी बस अब हम क्वेश्चन एंड आंसर शुरू कर देते हैं. अनुराग फोटोग्राफर भाइयों से प्लीज कैन वी प्लीज हैव क्वेश्चंस एनीबॉडी. यस राइट देयर. अनुराग सर एक दो सवाल थे आप अगर स्टेज पे आ जाएंगे तो. यहाँ सर पिक्चर हर्षवर्धन कुलकर्णी ने बनाई सर बट आपका भी बड़ा हाथ है सर मेजर है. मेरा हाथ हाँ शॉट में एक गलती से आ गया था शूटिंग के टाइम सर. सर गलती से सवाल में मैं पूछने की कोशिश नहीं की थी मैंने. हाउ आर यू सर. हाँ मैं ठीक हूँ. कहाँ है आप सर. सर यहाँ पर सीधा यहाँ कैमरे के पीछे. हाँ बोलिए सर. द लास्ट टाइम वी सॉ यू आर हैविंग अ वेरी हैप्पी टाइम ऑन यूट्यूब एट एआईबी रोस्ट. वी नो दैट यू आर ऑफेंडेड बाय द अपोलॉजी दैट एआईबी रोस्ट हैज गिवन. आपने 140 कैरेक्टर्स में ट्विटर पे लिखी थी. कुछ एलैबोरेट करेंगे इसके बारे में. इसके बारे में हम इस प्लेटफॉर्म पे एलैबोरेट नहीं करेंगे सर. कुछ तो बताइए सर. आई मीन नहीं ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है. बट डू यू थिंक हिपोक्रेसी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी द काइंड द वे एआईबी वाज हंटेड डाउन. Sir, do you think hypocrisy exists in media as well, in this country? It's everywhere, it's omnipresent. Vikramaditya, what's your take, sir? The same as that. Different platform, Baba. Can we talk about Hunter, please? Anurag, one more question. Boliye. You have worked both with Ranveer Singh and Ranbir Kapoor. Anji. Who would you say is the biggest hunter between these two in Bollywood? You know, you have no idea that I am actually a much bigger hunter. Than anybody. I feel offended by that question. So we will see you soon in a movie as well, right? We will be seeing you in a movie. You will see me anywhere, everywhere. I am all over the place. मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ ने कहा था बेटा तू रायता है. All right, next question. मेरा सवाल हर से. अगला सवाल. मेरा सवाल का पोस्टर. एक बार में यार कौन है किधर है. One at a time, please. हर से कुलकर्णी से जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. ये केले के अंदर चार करेक्टर रखा है इसका मतलब क्या हुआ पोस्टर में आपने. सॉरी सुनाई नहीं दिया. आपका पोस्टर डबल मीनिंग वाला है. मतलब पहला जो दूसरा मीनिंग है वो सबसे पहले दिमाग में आता है. आपको किस तरह की प्रतिक्रिया बॉलीवुड से दोस्तों से और लोगों से मिली है वो बताएं. अनुराग विल हेल्प मी आउट. देखो गलत सवाल था. ये पोस्टर हम लोग ने डिजाइन किया था. हमारा पहला पर्पज इस पोस्टर को डिजाइन करने का ये था कि हर वो आदमी जिसके दिमाग में दूसरा वाला मीनिंग पहले आता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें. तो आज आपको पहला आदमी आपको आइडेंटिफाई किया. हम बाकियों को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. बॉलीवुड से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको अनुराग मिली. क्या किसी ने कुछ खास बात ऐसी मतलब ऐसा ही कुछ. अभी तक तो लोगों ने बोला बड़ा ही कलरफुल पोस्टर है. अब वो कलर के कितने मतलब हो सकते हैं ये तो आप इंटरप्रेट करिए. आप हमेशा दूसरे तीसरे मीनिंग ज्यादा अच्छी तरीके से ढूंढते हैं. जब इस तरह की फिल्म होती है या इस तरह की पोस्टर होती है जब आप इस तरह के बोलते हैं तो आप इस तरह क्यों बोलते हैं. मेरा सवाल सबके साथ एक यही है. जब बोलते हैं इस तरह की फिल्म है वो क्या चीज है जो आप बोल नहीं पा रहे. वो आपकी फिल्म देखने के बाद मतलब. नहीं नहीं आप वो इस तरह नहीं क्या क्या गलत क्या दूसरा मीनिंग है ना. मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही. मैं गधा हूँ आप समझाइए. आपको समझाना है क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आया. हाँ तो इसलिए बोलो पिक्चर देखिए सब समझ में आ जाएगा. तो मतलब फिल्म की ऑडियंस बढ़ जाती है ऐसा लगता है आपको. यार देखिए आपको क्यों लगता है कि हर पिक्चर जो है सब किसी को देखनी चाहिए. मतलब हमारी वो कंट्री है जिसमें बिलियन की पॉपुलेशन है और जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो 4 करोड़ लोगों ने देखी है. तो आप किस सबके लिए पिक्चर बनाना चाहते हैं और कौन सा वो आदमी जिसने कोई पिक्चर बनाई है जो सबके लिए होती है. और ये प्रेशर लेकर के आप कभी कोई काम नहीं कर सकते कि आप सबके लिए कर पहले खुद के लिए तो कर लो. अनुराग ये जो हंटर शब्द है आपका ऐसा लगता है सर आप आपकी पिछली फिल्म में भी एक गाना था जो हंटर वाला गाना था उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में. हंटर शब्द जो है मेरा फेवरेट शब्द नहीं है. हंटर जो है मैं बचपन से बनना चाहता था और जो आप नहीं बन पाते हो आप उसके बारे में फैंटेसाइज करते हो. देखते हो ना हर आदमी कोई विराट कोहली बनना चाहता है कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है. मैं हंटर बनना चाहता था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और अनुराग. अरे सर आप हो किधर. राजधानी दिल्ली में पूरा माहौल बदल गया है. केजरीवाल जीत गए हैं. आप लोग क्या कुछ क्या बात है मजे. अभी तो शुरू होगा जो होगा अब तो देखते हैं. देखना है बहुत अच्छी बात है. और इतना क्लियर मेजोरिटी के साथ आया उसके बावजूद मैंने अभी सुना उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी में जीतने के बाद भी वो विपक्ष रखेंगे. वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है. और अभी देखा जाएगा क्या होता है. इस सवाल में सभी की प्रतिक्रिया अगर मिल जाए तो मतलब अपीता की ओर. यार ये प्रतिक्रिया हम बाद में देते ना. उन्हें माइक ले लीजिए. ऑलराइट सो आई थिंक समबडी इज वेटिंग. सेम सवाल पपीता से भी. प्लीज पपीता आपसे भी. दिल्ली में जिस तरह से मेजॉरिटी में आई है आप किस तरह से आप देखते हैं. आप किससे पूछ रहे हो. I
और बप्पी दा आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ने वक्त नहीं यार कोई इनसे माइक छीन लो ना यार नहीं 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 लेट्स जस्ट स्टिक टू द फिल्म नाउ वहां पे जो हमारे मित्र खड़े हैं जरा माइक अब हम किसी और की तरफ भेज दें तो कितना अच्छा होगा है ना हेलो हेलो नाउ लेट्स जस्ट ओनली टॉक सॉफ्ट है अबाउट हंटर हेलो हां जी बोलिए कुछ पूछ रहे थे हां यार माइक ले लिया तो आप फिर भी सवाल पूछ जा रहे हो मतलब क्या है हद हो गई यार देखिए ये मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो घर है जो सेंट्रल है वो हम लोगों का बीजेपी है दिल्ली में आए और कलकत्ता में कौन क्या कर रहे हैं और क्या चेन्नई में क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं जीता है जनादेश था जनता जनार्दन है उनको ये पसंद था तो आज इतना बड़ी जीत हुआ केजरीवाल जी के और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ बीजेपी का हार नहीं हुआ बिकॉज बीजेपी जो है बस वो दुनिया में अभी एक ही नाम है बीजेपी चलिए कोई बात नहीं है दिल्ली में हम लोग का हार हुआ लेकिन बस उनके लिए मुबारक हो केजरीवाल जी को मुबारक हो और मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली कितना अच्छा हो जाए एक साल में वही हम लोग को देखना है इतना बड़ी संख्या में जीता है देखना है कितना दिल्ली अच्छा कर सकता है अब हमारे जो यहाँ आम आदमी खड़े हैं मिस्टर बंदार पोंक्षे हंटर के बारे में बाकी के लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो हाथ ऐसे खड़ा करें ऊपर फैंटास्टिक अच्छा सॉरी नहीं बिल्कुल नहीं अभिनंदन ओके लेडीज एंड जेंटलमैन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए भी तालियां बजाएं आप लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं क्या बात है वाओ अब हमारे फोटोग्राफर भाई टूट पड़ेंगे मुझे मालूम है मैं ये हंटर का जो इतना अच्छे फंक्शन है हर्षवर्धन जी और खामोश पूरा स्टार कास्ट मैं खाली एक लाइन सुनाऊंगा डोंट रिजेक्ट मी आई एम ए लर्नर मुझे सीखने दो आंखें सीखने दो गाना अपने लोडेड है टारगेट भी कोडेड है थैंक यू
lucky today because my wife has just packed up from her shooting and she's on her way here. So I feel really lucky. Generally very positive response. People seem to be really excited about the promo, and I think I wasn't really sure what kind of a response we would get, but I think in 2 days we got a million hits on YouTube and now it's playing on TV also. So I'm getting a lot of calls and on social media through Facebook and Twitter. Mostly Facebook, people are sending me messages about how much they love and how much of intrigue the trailer has generated. So it's nice. It's a really good feeling that before the film releases, no matter how much publicity we do, at the end of the day, if people like the trailer, they'll come and watch it. So that's great. Okay, see, now the thing is, I have a problem with this word sex comedy. The thing is, like, the moment when you say sex comedy, it's a word association thing. Then you start associating with double meaning dialogues. The thing is, like, most of the films that are made in our country, I'm not saying all, most of them seem to, you know, have like, you know, sexual jokes or sexual innuendos or double meanings, such films. I'm not saying they're bad, they have their own audience and it's good that all kinds of films need to be made in this country. But Hunter is not a sex comedy in that sense. Like, there are no titillating jokes or there's no sexual innuendos or below the belt remarks or, you know, some gali galoch just for the sake of gali galoch. It's a very honest and innocent film. It's a very straightforward film. And it's a coming of age story of this character called Mandar Pongshe, who has a large appetite for sex. So that way, I think it's not a sex comedy in a very conventional sense. I'm very pro rating system. I think it should be an age rating system. I would really welcome that. I think that would be a huge leap for our industry. Yeah. Poster has been banned. I don't like it myself because my nipples are visible. I'm a little embarrassed about that. Yeah. I wish I had done a few more, like, you know, bench presses and had like. But anyway, I was playing a very ordinary guy, very average, sort of average guys, like people, you know. Mandar Pongshe is the guy who's traveling in a local train and all that, so he has to look average. So my body also had to look average. So I'm sorry, I'm an actor, I'm a little vain. So when I look at that, I was like, ah, shit, yaar, my pecs gir rahe hain, thoda sa tight hota to maza aata. So that way, yeah, I would ban it because I'm not looking really cool in it. Yeah. Okay, cheers. I hope for the next week and 2 weeks, 3 weeks, I get lucky. Yeah. No. It hasn't been banned or anything of that sort. I really don't know. I just got to hear about it also. So I have been seeing all the posters, all the billboards there. So I don't know where the reports came from. I think personally, yes, and I personally think that the rating system should be there because it doesn't make sense. And I personally also feel that it's a certification board and not a censor board. So just certify the whole thing and then that's about it. Yeah, done. Thank you, sir.
expectations are kind of like, they're always high. I don't think that we make a film without expecting something. I think we like to take risks, and we like the risks to pay off, and they have been paying off in the past, and hopefully this one will also pay off as well. It's a lovely film. It's a very sweet film. It's a beautiful little film. It's a coming of age film and all that sort of stuff, and it's funny and it's quirky, and I just think I'm expecting the world, so yeah, whatever. First time I'm hearing it, so. We face the normal kind of censorship issues in the sense that there are about 4 or 5 cuts that we have done. But it's normal. I don't think that we were expecting pretty much the same. And I think what we were expecting is what we've actually got. Maybe a year ago we wouldn't have got any cuts, but 4 or 5 cuts is better than having 30 cuts and 40 cuts, which is what a lot of people have been worried about. So. And after the meeting with the censor last night, based on what they're saying, I'm very hopeful. I'm extremely hopeful after last night's meeting. It sounds good. We need a ratings board. We don't need a censor board. We don't need people telling us what we should watch. It's just a question of which age is appropriate to watch it. And I think that if that does go ahead and we have a ratings board, I think it's a wonderful thing for the future. I think it's a trust value associated with the name. Phantom, Anurag's name or Vikas's name or any of our names brings a sense of trust value to the film. Which I want to talk about the center bol rahe tum log. Kya re? I think this having the name brings us a trust value in the sense that people like to watch a film which has got a name associated with it that they actually sort of like, you know, can trust in. And whether it's Anurag's name or Phantom's name, any of these names, it adds for them a sense of trust. You know, this is a film that, okay, even if these guys are pushing it, means there must be something in the film which is worth seeing. You know, so whatever 5%, 10% adds to it, I think that's good. No? Sorry? It is, well, I don't know if it's a responsibility, I just think it's a question of... like as I was saying before, it's a question, we like to take risks on films and we like to sort of push the films that maybe nobody else will make or nobody else will push out there because we love them. We love the films, we love the scripts, we love the filmmakers, we say that these are the films we want the world to see. And maybe it's a responsibility, but I think it's more about just... The good stuff should be out there, and the Phantom can help in any which way. 5%, 10%, 2%. In pushing those films there, I think that's what we're trying to do. Now, don't reject me. I feel I'm being rejected. Thank you. Actually, honestly, I'll tell you that what I expect is that word of mouth se ye film zyada popular ho jaye, aisa kuch expect kar rahe, kyunki ये फिल्म ऐसी है जो देखेंगे जब लोग क्योंकि अभी बहुत स्पेकुलेशंस है कि सेक्स कॉमेडी है या ये है या स्लीजी है चीप है क्या है और जब देखेंगे तब आई थिंक इट हैज अ वेरी लवली कनेक्ट दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ वेरी क्विकली सो आई हैव अ फीलिंग दैट और आल्सो दिस ईयर हैज बीन रियली गुड आई मीन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर वी हैड क्वीन एंड फिल्म्स लाइक दैट बट दिस ईयर बदलापुर एंड देन दम लगा के है शाह NH10 दे've डन सो वेल दैट वी आर रियली होपिंग दैट इवन दिस फिल्म विद द वर्ड ऑफ माउथ विल hopefully entertain people more. Radhika, on a light note, kabhi kisi ladke ko hunter dikhai aapne chhote ke ladke ko oh hunter this hunter is a little different wo jo hunter hai na wo hunter nahi hai ye ladka hi hunter hai so he is basically gauging aur dekh raha ki ye shikar hai aaj ka ya ye shikar hai is mahine ka jo bhi hai so I think girls are also like that sometimes girls are huntress whatever huntresses we make a joke ki agli film banayenge huntress aur 3s ke sath so I think I've been a huntress sometimes in my college days and I've been hunted also I think so we all have been once you see the film you will exactly know what I'm trying to say
Next is actually exciting is Mountain Man with Ketan Mehta's, he's directed it and it's with Nawazuddin Siddiqui. That's something that I'm really looking forward to. But there are other two films also. One is Parched, which is an Indo-US collaboration. It has a really fantastic A-listers technician from Hollywood, including Russell Carpenter, who's the DOP of Titanic, and Kevin Tent, who edited the Descendants. So I think that the two projects I'm really excited about. See, I'll tell you what I always thought that the board was certification for certification and not for censoring it really. So I am quite, I'm not sure what I feel about the whole thing. When we did the film, when we made the film, this team was not there. We made it 2 years ago. So it's changed, rules have changed, even the promo and then now it's changed. But luckily, in our film, though the perception is such, there is nothing that could be censored. So I think we've got some 3 or 4 cuss words which went, but other than that, there was nothing to be cut. So that's fortunate. Okay. Is that it? Thank you so much. I hope you enjoy the film. अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज पीपल हैव लव्ड द ट्रेलर दे हैव रियली रियली लव्ड इट एंड एवरीबडी इज़ वेरी कीन टू वॉच द फिल्म एंड सो एम आई सो लेट्स सी आई होप पीपल लाइक इट बिल्कुल मिला है काफ़ी लोगों ने परफॉर्मेंस की तारीफ की है सब लोग की और ट्रेलर को 2.5 million से ज़्यादा लाइक्स है सो आई एम होपिंग दे लव द फिल्म एज मच एज दे लव द ट्रेलर थैंक यू थैंक यू
See, I haven't seen the film yet, so I just saw the trailer and I found it actually interesting. So it's very difficult to judge what it is, but definitely looks like an interesting film, and it's been made by a lot of people from the Film Institute who I know, and they made it with a lot of they put in a lot of effort to make it. They didn't have money to make it, and so I'm here actually to support that. Yeah. The meeting with the INB minister, Mr. Rathore, was actually very nice. It was a very cordial meeting, and he came out as a very interesting person. And the meeting, I would say, was a very constructive one, because all the issues we had were brought onto the table, and some of them were addressed, and all those notes were taken back, and with the assurance that there would be some constructive solutions to this, and a lot of it would be solved. I would say it was a big step forward. Some of the members in the meeting yesterday also suggested the rating system. Are you in favor of that? Yes, it was suggested that there should be, more than sensors, it should be called a certification system, which is actually the name of the board is CBFC, when you call it Central Board of Film Certification. So instead of censoring things, they should be certified. There should be a rating system where if it's extreme, you rate it like that. And so without really destroying the work of art, you say that this is. So it's been, I think it's been looked into. Thank you. स्टाइल का था गाना, तो उसी किस्म का गाना है ये. इसमें शायरी भी है, और इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग. गाने में जो शायरी है, जो शायरी क्या आप बता सकते हैं? जी, एक शायरी सुना सकते हैं? हाथ से परमानेंट हो जाते, दिल के एंगेजमेंट हो जाते, उसने झांका ना कार से वरना सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाते. हाँ, तुम तो खैरे परदेसी का सीक्वल आ रहा है, सेकंड पार्ट. या सेकंड पार्ट है उसका, मुखड़ा वही है. उसके अंदर जितने भी स्टैंजाज है, अंतरे हैं, जो शेर है, नज़्म है, जनवरी फरवरी की स्टोरी, वो बिल्कुल नई है, और सब अंतरे बिल्कुल नए हैं. और लोगों को, क्योंकि मैं जब भी इस शो में परफॉर्म करता हूँ, तो इट टेक्स 45 to 1 hour फॉर तुम तो ठहरे परदेसी. मुखड़ा तो वही है, उसका अंतरा बिल्कुल नया है. वो सस्पेंस है, नहीं सुना सकता. हाँ, पुराना वाला सुना सकता हूँ. तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे. और कुछ पूछना है? थैंक्स.
Can we talk about that? Let's give it 15 minutes. Just discuss Hunter. It's a fictitious character. Yeah, yeah. I actually created the whole like illusion of Mandar Pongshe. So Mandar Pongshe exists, but he also does not exist. So I suppose that answers the question. Okay, my question is to Vikas ji and Vikram ji, to the producers. Your movie has been released where there was a CBFC's problem and issues. So what kind of issue you faced during the release of the movie? What kind of, you know, you have to done with dialogues or theme? Have you altered or something? No, actually, I think they were quite, they understood the larger perspective of the film. And within the humor, they understood the character journey. And because they got the larger picture, we did not face any problem actually. On maybe a couple of words here and there. But other than that, we didn't face any problem with the censor board on this one. Vikas, hi, this is Ishan from News Express. एक चीज़ जानना चाहता था कि वाकई में आपने जैसे आप हंटर की बात करेंगे, बेशक करिए हंटर की बात, लेकिन अभी जब गाड़ी में होंगे तो ये खबर जब मिली होगी नेशनल अवार्ड की, तो यपी मोमेंट तो आया होगा आपके पास भी. आपने कंगना को मैसेज भी किया होगा, यार चलो कम से कम नेशनल अवार्ड तो मिल ही गया हम लोगों को. इस समय भी मुस्कुरा रहे हैं आप. यपी मोमेंट आया था. तो क्या हुआ बताएंगे आप? क्या कंगना को आपने मैसेज किया या उनका कोई रिप्लाई आया, या आपको किस, आपको किसके थ्रू पता चला कि ये अवार्ड्स के बारे में? मुझे एक्चुअली सबसे पहले हर्ष का मैसेज आया था. सो बैक टू हर्ष. और किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप ये सक्सेस को, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक चीज़ है आपकी लाइफ की? हाँ, मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, नेशनल अवार्ड है, और माता पिता के पैर छुएंगे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद, बस यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए. मतलब नेशनल अवार्ड पे तो यही होता है ना, ब्लैक लेबल तो फिल्म फेयर पे. लेकिन विकास हियर योर लेफ्ट, वसीम फ्रॉम इंडिया टीवी. अभी जब विशाल भारद्वाज से पूछा गया, उन्होंने आपको मेनी कंग्रेचुलेशन कहा है आपके इस अवार्ड के लिए, उनका ये रिएक्शन है कि अवार्ड मिलने के बाद पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, दारू पिएंगे, लेकिन आपने कहा कि मंदिर जाएंगे, आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? ये विशाल सर बहुत ही बिगड़े हुए हैं, वो दारू वारू पियेंगे और मैं मंदिर से सीधा उनके घर ही जा रहा हूँ एक्चुअली. हाँ वही भाई. तो सक्सेस को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके. हमारा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि बहुत अच्छा हुआ कि 2 घंटे पहले हमको अवार्ड मिला और आप सब हमें यहाँ मिलेंगे हंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और फिर हम हंटर की बहुत सारी बातें करेंगे. तो हम बैक टू हंटर फॉर 10 मिनट्स. अगर आप एक सही से जवाब दे दिए तो मतलब हंटर भी रहेंगे सर, एक प्रॉपर आंसर मिल जाए आपकी तरफ से तो फिर हंटर भी. आप इधर आए कौन सी कॉन्फ्रेंस के लिए थे? दोनों सेलिब्रेशन आप ही के हैं ना सर, दोनों सेलिब्रेशन आप ही के हैं. हंटर भी बहुत अच्छी फिल्म है. मेरे प्रोड्यूसर बैठे सामने, बजट इनका है और वो क्वीन से नहीं आ रहा है, वो घूर रहे मुझे इतना जोर जोर की. तो आप प्लीज मेरी नौकरी बचाइए, पहले हंटर की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं ना क्वीन की बात. कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहीं पे ही है सब लोग. हाय, मेरा सवाल गुलशन से है. गुलशन, एक सवाल पूछ लिया था इन्होंने. नो, दिस वाज ऑलवेज द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. हाय, मेरा सवाल गुलशन से है. गुलशन, आपने फिल्म के अंदर एक हंटर का किरदार निभाया है जी, जानना चाहूंगा आप रियल लाइफ में आपने कितना रिसर्च किया हंटर का किरदार निभाने के लिए? आप क्या सही में हंटर बने हैं? बहुत मतलब बचपन से रिसर्च करता हुआ आया हूँ. रिसर्च ही किया है, लेकिन कुछ ऐसे क्या थियोरी किया, प्रैक्टिकल कभी नहीं किया. वो बात हो गई मेरे साथ में. बहुत झूठ बोलता है. लेकिन वो थियोरी क्या है ना, जब थियोरी जिसकी पक्की हो सडनली आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर वो सब याद आते हैं, तो वो वाली बात हो गई मेरे साथ में. तो थियोरी मेरी पक्की थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था. वहाँ पे हर्षवर्धन ने थोड़ी बहुत मेरा बचाव कर दिया. मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ हाथ. ओके, तो सब मोस्टली इमेजिनेशन, बाकी जो स्क्रिप्ट में है वो, और मंदार के किरदार से तो हर कोई रिलेट कर पाता है, तो फैंटेसाइज तो हर कोई करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी हो. तो बस वही है जो तजुर्बा बचपन का है, जो प्यूबर्टी में क्या क्या एक्सपीरियंस थे मेरे दोस्तों के साथ, कैसे हम लोग बात कर रहे थे, क्या था, तो वही सब कुछ है स्क्रिप्ट में. जो इनोसेंटली शुरुआत होती है मंदार की जर्नी, तो वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, तो बहुत कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी.
I am Pankaj from Glamour. Straight here. Harsh, my question is, the film is more than a sex comedy. It is more of a drama. So, but it was promoted as if it was only a sex comedy. So do you think you could have promoted the film in a different way and added more aspects to it? No, actually, I thought the promotions were not as a sex comedy. So when we went out, we did tell everyone that there are no double meaning. See, we have just one image. I mean, plus, there's just not posters. There's also articles which are being written. There are promos which are coming. There are so many things which are being marketed. So I think in all, you're taking the message back home. No, so I actually, at some level, you could be right about this. But the fact is that we could take, there were two ways of marketing this film. Either you take the whole journey and say it's a film that starts with the Kela opening and ends somewhere else. Or it starts with the Kela opening, because that is his state of mind. As a child, till he falls in love and then he grows to becoming the guy that he becomes, till he goes through the experiences. So we just decided to take the starting point of this boy's journey as the marketing tool versus the whole journey of the film as the marketing tool. So you might look at it as a sex comedy, but it's actually a state of mind. So its state of mind is girls all around. How can I get that one? How do I get the second best? How do I tell my friends? How do I conference call when a girl calls me? So that's a state of mind. So if you look at the poster, it's only about a state of mind. And we've just not... See, if you look at this, probably which is the most vulgar. This is quite vulgar. If you were to use that word. But basically what it's saying is that he's focused. His single focus is what it says. Right? So, and that's his journey in the film. Okay, Radhika ji. Radhika, my question is to you that first Badlapur, now Hunter. So aren't you afraid that you will get a tag of bold actress and you will get such roles in future also? In this, she was bold? Yes. But the movie content is quite bold, so. Are kahan bold hai yaar? Matlab, har roz toh dikhta hai Hunter yaha wahan. Kabhi. But no, I personally don't think it's very bold. I think it's in fact something that is easily relatable. Because the other films which are so-called not bold are films and characters which one can't relate to either. So I think I'd love to do characters which are more real, and if that is bold, then that is how that is, I think. Is that an answer to your question? Harsh, there were many instances in the film where we felt like this is our story, I could relate to it. So how did you get... How did you get the nuances right, and did you research about this, or how did you get that very, very right? I had friends like you all through from my childhood, so how could I forget? I mean, that was my research. So it's all based on the Vasus of the world. Harsh, my question is for you. आपकी जो फिल्म है ये फैंटम प्रोडक्शन बैक कर रही है इसलिए इतनी सक्सेस है इसे, लेकिन अगर यही फिल्म केतन शाह अगर बनाते तो उसे बी ग्रेड सी ग्रेड माना जाता. कांति शाह बनाते तो ये केतन भाई हमारे प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो मैं डर गया था. सो कांति शाह, माय बैड. तो एज अ डायरेक्टर आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा कि अगर बड़ी प्रोडक्शन हाउस बैक करती है तो उसका रिएक्शन भी लोगों से अलग मिलता है. बट पिक्चर भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि बड़े प्रोडक्शन हाउस हमको बैक करे. मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये पिक्चर ही ऐसी थी कि फैंटम जैसे लोग जो इसको बैक कर रहे हैं उनको समझ में आ रही थी कि यार इसकी सेंसिबिलिटी जो है वो बी ग्रेड या सी ग्रेड नहीं है, बल्कि रियल है और एंटरटेनिंग है. सो दैट्स द रीजन. व्हेन आई सॉ द फिल्म, फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड द जर्नी वॉज एक्चुअली क्षितिज, the cousin brother, who I think is actually the real Vasu, you know, who is his inspiration, ki ek din main aisa banna chahta hun, you know. And in that journey, that boy who gets all the girls, who's taking them home,
how he turns around at that point in time, how he meets that girl, how he goes and beats up that father for what he does. It's that same character. So I would not be able to put this film in any category of a film that I've seen before, whether it's drama, coming of age, sex comedy, whatever you might call it. But that journey, it takes so much of craftsmanship to be able to create a character like that, to turn him around like that. And then when he dies, the attitude of the wife after that, you know, and how she handles it, how the kid gets into the car and that turns him around. It's just magical. And I think it takes another piece of craftsmanship to be able to tell a story like that. So it's just, it's hats off to us to be able to tell us a story like this. Rajat Kamal, mujhe milega na, tu de raha. Harsh here. Harsh, the kid who played younger Gulshan along with the other two kids were remarkably brilliant. How was the casting done for them, for these kids? Yeah, it was a painful process actually. I mean, we had a casting director who kind of did lots of auditions of kids in Mumbai and several other cities. But we were shooting in Pune, so then we had to kind of look for kids who were in Pune because it's a low budget film, extremely low budget. So we couldn't take people and lodge them there. We didn't find any of the kids who had acted before, you know, and because it was just not fitting properly. So finally we went to schools and then there were random kids who didn't even enact the scenes. So Junior Mandar is actually, he had given an interview that I want to become a marine engineer, and the way he actually said that I want to become a marine engineer just clinched the role because he was superb. So it's been like we've auditioned more than 1,000, 2,000 kids for this film, for those 4-5 characters. Wo chota chetan tabhi se hi bada chetan banna chahiye. Ekdam. Also one more thing, Hunter is all about you know, going in for the girl who is the second best. Can we expect a sequel where you would probably give us a philosophy or a principle where how we should win the first one, the first best? If Phantom and Shimaru backs me, definitely. Anurag is not present here. Maybe he could have given us a new perspective on this. He said during the last press conference, he said that he is the biggest hunter. So, अरे हर से second best वाली picture बन गई, वो काफी नहीं है. First best. Sir, तो आप बना लीजिए. Sir, आप तो बना लीजिए. आप तो first best हो गए आज तो. Sir, queen के बाद king बनाइए कुछ. Sir, कुछ तो बोलिए. अभी तो 10 minute भी हो गया sir. One serious question, you know, it's been a clean sweep at National Awards, you know, Haider, Mary Com, Queen, a lot of Bollywood films winning at least more than 7 National Awards. So mostly Malayalam films or films down south have had this kind of a record. So what do you think? Last year has been very good for Bollywood, and how do you see it forward at National Awards? I'm actually, till the time you asked this question, I don't think I've ever thought that there is a, we have to beat any other language. No, it's just a trend that I observed. Yeah, but I think a lot of regional work is pushing us to think better, smarter, produce our films better, because some storytelling, I think whether it's in Bengali, whether it's in many other language, Marathi cinema especially right now, is so good that it's pushing us to think further, work harder on our screenplay, on our direction. And that's good that they've pushed us today, that we've done a, I think we've not swept it or anything, but done a reasonably good job at the National Awards. But has this National Award put additional pressure on your shoulders, and how do you view it? How do you view your growth as a director post the winning of this National Award? Now I can go and make an easy film. National Award to mil gaya. So now I can go and make a nice, easy, happy film, not worry. Mandar, mera sawal aapse hai. Mandar, kya naam? Mandar, film ka ek scene hai. हाँ जी, बोलिए बोलिए. फिल्म का एक सीन है जिसमें आप बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी बात कर लूंगा. हाँ जी. तो वो क्या इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी के ऊपर, वो बात कितनी जायज है? आपके सवाल का जवाब कैसे दूं मैं अभी? सर, आप शादीशुदा है? नहीं नहीं, अनमैरिड है. अच्छा, ओके. वरना मैं बोलता आपकी मिसेस को बुलाइए, मैं बात करता हूँ. मैं करता है ना बात. मेरा क्वेश्चन था सोसाइटी पे इम्पैक्ट का, ना कि कोई इम्पैक्ट नहीं सर. वहाँ पे लड़के की, वो बहुत ही डरा हुआ है क्योंकि एक तो वो औरत फ़ोन करती है उसको, फिर घर में घुसती है, बहुत ही नर्वस है. जैसे आपने, पता नहीं आपने फिल्म देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वो उसका जो है दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ चल रही होती है. तो वो फिर आती है, उसको कुछ सवाल करती है कि मैं बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को, कह के चली जाती है. तो कुछ मंदार को भी कुछ दिलेरी दिखाने के लिए ऐसे मुंह से निकल जाता है कि हाँ बुलाओ ना हस्बैंड को, मैं बात करता हूँ ना.
वो बात बिल्कुल करने नहीं चाहता वैसे, लेकिन एक हिम्मत जो है वो दिखा रहा है और उससे वो इम्प्रेस हो जाती है। नहीं एक्चुअली वन मोर थिंग, जैसे इसका एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, तो वैसे वो ज्योत्सना का लिटमस पेपर टेस्ट था कि इसमें वो गट्स है कि नहीं है, मतलब इसीलिए तो वो उसको वू कर रही थी, वो उसको फॉलो कर रही थी, वो उसको फोन किया था, उसने उसको फोन किया था। सो जब वो घर आती है तो ये उस पर खरा उतर सकता है कि नहीं, इसीलिए वो बोलती है मैं पति को बुलाती हूँ। अगर वो वहां पे कुछ नहीं बोलता तो वो निकल जाती, अगर उसकी गिग्गी बन जाती तो वो निकल जाती, बट वो उसका लिटमस पेपर टेस्ट था। तो आप मतलब शी इज द वासु ऑल्सो, आई मीन हर्ष ऑल्सो, वन मोर थिंग, यू नो गुलशन्स रिलेशन विद साई इज वॉट वन वुड कॉल्ड अडल्टरस, इट्स एन अडल्ट्री एंड अडल्ट्री इज इलीगल एज पर इंडियन लॉज। सो what is your take, should it be made legal or should that section be abolished, because in France it is not illegal. France chalte hain, I really didn't know this. No it is illegal. Yeah, if one makes a complaint the man will be imprisoned but not the woman. Oh that's good. So all men, let's not be doing all this, because the risk thank is thank ours you for saying this, but now everybody know that adultery is a, we also have a song which is saying chori chori love story, it's a deceitful love story that is happening, so it's very, I mean, consciously done, and I don't know about this rule and stuff like that. Just don't get caught, that's all, nahi pakde jayenge. Okay, my question is to the producer ki now the film has been released, the film has received mixed response from critics, so what's your take on that? Don't you think that critics are not still ready to accept the facts, to reality? He's putting words in his mouth. The facts to reality as meaning? I don't understand. Don't you think the critics are not ready to face the facts, to accept such movies, which has a very content? I think, each to their own. I think that if they like it, I think the critics are ready in that sense. I think, and actually the litmus paper test in our case is the audience, not so much the critics in this case. We knew at some level that the critics are going to watch it through a slightly tinted, rose-tinted or whatever tinted kind of glasses they're going to watch it through. We kind of knew that. There have been a certain amount of kind of feminist approaches to the writing, which I personally think is wrong. So I don't know. Maybe they're ready, maybe they're not. I think they are. I think it's a question of just maybe being a little bit shocked by the film and not expecting, or the fact that they were expecting something else and they got something else. So, can't say. You know, I think the critics have reviewed it two ways. They've reviewed it as a film and they've reviewed it as their opinion on that film or that issue. And I think that's the clear mark. Like I remember when Chiller Party was reviewed, the first review that came out was, kids today are not like this. You know, so I was so surprised that someone wants to actually watch a movie and decide kids are only not like this, so this movie is incorrect. But I don't think that's the way to be reviewing a film like this. You watch the film, that's what the director told, and you can decide whether, you can totally disagree with it, you can totally get bored with it. But you can't decide that this is my opinion on society. You are allowed to have, I think, an opinion on the movie, and that's well appreciated. And good, bad, ugly, all that is good. So I think that's the only two distinctions between the reviews. And but yeah, I guess we have to also, while we're growing with our cinema, critics will grow with their reviews and we'll all become a better society one day. Okay, Vikas, आपसे पूछना चाहूँगा, सेंसर बोर्ड का कितना दखल किसी भी फिल्म में, अभी जो हाल में ही कई दिनों से चल रहा है, ये अल्फाज इस्तेमाल मत करिए, ये मत करिए, वो यूज़ मत करिए, बहुत से कट सेंसर की तरफ से इशू हुए हैं, एक पूरी लिस्ट जारी हुई है, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत इस बात की खिलाफत भी की है, आप क्या मानते हैं ऐसे मेकर हंटर के अंदर सेंसर का अगर इतना ज़्यादा दखल नहीं होता तो फिल्म ज़्यादा कमर्शियली हिट होती, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती, डू यू एग्री विद दिस? एक्चुअली बिटवीन योर क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज व्हाइल द सेंसर इज इशूइंग ऑल दोज थिंग्स इन हंटर, वी डिड नॉट फेस एनी सच प्रॉब्लम फ्रॉम द सेंसर बोर्ड. So there is nothing in Hunter which has been cut or... There's one word beep in Hunter. Please, Harsh. You know, beep actually has become a very interesting word nowadays, because whatever you want to think in your head, you can think. So actually, I don't mind making a movie with lots of beeps and everyone decides ki kaun sa gali diya yahan pe, kaun sa gali diya yahan pe. So, but actually, in Hunter, we got a very good verdict from the censor board. So we're okay with it. Let's see how it all goes forward as producers or as directors, where we land up next few weeks or months from here. And I think there's a bigger argument going on there at a much senior level, which is beyond me. And I'd much rather let them sort it out at that level in a
very sorted way rather than making a remark which is not well thought through. So you are happy with the sensor board machinery, the way they are working? In this film particularly, yeah. Hello. After 15 minutes. My question is to Vikas and Vikram both. Let Vikas, aap bach kyun rahe hain is sawal se? There's just a question. Achha, Vikram, you said the critics might have taken a feminist approach, which is wrong. Why? Because you can't, I don't think you should watch a film, you can't watch a film as something. You have to watch a film as an audience member, sort of go in and watch it. And I think that a lot of critics have sort of come on board and spoken as feminists. And what Vikas was saying is that, you know, it's not a statement on society. Watch it, the film as a film. There's an opinion. You have an opinion, so do we. And I think that one has to respect that. Even as a critic, you have to sort of say that, I may not like the film, but you can't say the film is a reflection on society in general and make that statement. You can make out from the first word that the person has watched the film and is going to hate it from the very first frame of the film. They've walked in wanting to hate the film because of their point of view in life. That's incorrect. No, what I mean to say, this is again my opinion. I'm a feminist and I thought the film was very good. The way all the heroines have their own approach to sex, they were, I don't think anyone regretted. But there are some people who have had that opinion, and I think that's unfair. Yeah, all of them are strong women actually. Absolutely. I'm not saying it's all women. I'm saying some women. Apart from which, in no scene did I feel that the women were being degraded, which I have seen in a lot of films where they supposedly glorify women, but I don't like the way they depict the women. I mean, I just thought all the women were having a whale of a time. Yeah, I think so too. My question is to Vikas. Congratulations, सबसे पहले national award जीतने के लिए announcement हो चुकी है. तो क्या आपने पहले से expect कर रखा था कि national award जीतना ही जीतना है, क्योंकि queen ने सारे awards जीत लिए थे इस साल. देखिए, अच्छा देखिए, जब हम क्वीन बना रहे थे तो हमें सिर्फ ये था कि किसी तरह ये फिल्म बन जाए. वो फिल्म जब बन गई तो हमारे को ये था अब ये किसी तरह रिलीज हो जाए. तो आई थिंक द टू बिग जर्नीज इन क्वीन वर टू, बिकॉज वी गॉट अ फंडिंग ऑन द 10th डे ऑफ ऑलरेडी शूटिंग द फिल्म एंड वी वर ऑलमोस्ट पैकिंग आवर बैग्स एंड कमिंग बैक फ्रॉम पैरिस व्हेन स्पेसिफिकली विक्रम मल्होत्रा इन वायकॉम हेल्प्ड अस सी थ्रू दैट जर्नी. एंड so you know, when you go through a journey like that, your first two things are so big and so important and valuable to you that now everything is icing on the cake. And yeah, of course, really happy to have received the national award. Because a lot of awards are not credible these days. What about national everyone award? Everyone we got was very credible, huh? All of them. Because aapko ye award kisko dedicate karna chahenge aap? Sorry? ये अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? This one I'll dedicate to Vikram Malhotra. Because आपको the producer of the film, because he was the one guy who heard about 10 lines of the film, and I had gone to probably every studio trying to raise the money at that time, and he got the film, and he, I know, despite a lot of internal resistance, still he you know, saw through the film. And it's easy for a director to fall in love with his script and to try and see what he's trying to make, and that's a personal journey. But for a producer, at times these journeys are much more difficult because he's trying to guess what you're trying to do, and it takes really good producers to understand what that person's trying to do, especially when he's been rejected by most of the studios for that film. So this one's to Vikram Malhotra. क्या कंगना से बात हुई आपकी? क्या बातचीत हुई कंगना से? सारी बातें बताऊं? हाँ बिल्कुल, यही मौका है. सबसे पहले तो उनको कल विश नहीं किया था मैंने, और इट वाज अ बर्थडे. एंड नो, कंगना एंड आई, यू नो, इट्स बीन सो क्लोज टू अस एंड वी नो हाउ वी बीन थ्रू ऑल दोज डेज ऑफ मेकिंग द फिल्म एंड द स्ट्रगल. सो इट जस्ट, आई गेस इमोशनली इट्स एट अनदर लेवल फॉर अस दैट नाउ वी कांट इवन एक्सप्रेस इट बियॉन्ड अ पॉइंट. We can just congratulate each other and say, let's catch up and chat about it. But it's been a sort of a thriller for the two of us, and it's an emotional thriller for Kangana. Because also Vishal Bhardwaj is having a bash tonight at Villa 69 with his whole team. So when are you planning to take your queen team over there, or you know, or no, probably I'm taking my queen team to Villa 69 where Vishal sir is having his bash. विशाल, हर किसी डायरेक्टर का एक सपना होता है कि उसका जो फिल्म रिलीज होता है तो नेशनल अवार्ड उसे मिले. तो इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों आपको नेशनल अवार्ड मिलने जाएगा, तो वो लम्हा आपके लिए कितना खास होगा,
आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नो इट्स इट्स हाँ जी हिंदी में बोलिए प्लीज। अच्छा अच्छा ये हिंदी का सडनली प्रेशर आ गया एकदम इंग्लिश ही निकलती है उसका ना नहीं नहीं बहुत सबसे पहले हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि कपड़े क्या पहने क्योंकि प्रेसिडेंट देखने वाले हमको तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमको चिल्ला पार्टी में नेशनल अवार्ड मिला था तो सब लोग ऐसे वो नमस्ते करके ऊपर चढ़ रहे थे तो सब लोग मैंने देखा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे पीछे कि ऊपर जाके ऐसे करना है कि ऐसे करना है तो वो काफ़ी एक एक्सरसाइज है नेशनल अवार्ड एक दिन का रिहर्सल होता है उससे एक दिन पहले और पर आई थिंक इट्स एन ऑनर लाइक माय जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अभी जब तुम मरोगे तो ऐसा लिखा जाएगा नेशनल अवार्ड विनर विकास बहल तो बोला डैड आप तो नहीं देखने वाले ये तो इतने खुश क्यों हो रहे हो तो पर आई थिंक इट्स समथिंग जिसके साथ अब पूरी उम्र एक जीने को मिलता है और वो एक टैग होता है स्टैम्प तो इट्स गुड बिकॉज वी हैवंट बीन सीइंग कंगना द लीडिंग लेडी हु हैज वन द नेशनल अवार्ड एट द अदर अवार्ड फंक्शंस वेयर शी इज वन एज वेल डू यू थिंक शी विल बी कमिंग to receive the national award will we see her take that award home I think so and I hope so okay my question is to Vikas and Vikram Bombay Velvet has been the trailer has been getting mixed reactions so what is your expectations now from it the mixed is very good to excellent and they're debating very strongly whether it's a very good trailer or an excellent trailer I think it's a fabulous film. It's a great trailer, and 15th May, you're all out there to watch it and final verdict. But it's Anurag's masterpiece. It's really beautiful. Today, Anurag couldn't make it today. Anurag better finish his film. It's 15th of May is the release. Radhika, in both of here, right here. Actually, we can't see one person over there. So that's why we are reacting to. Radhika, in both your films, you've played this lover or wife who stands by her husband or lover, even though that person was wrong. Will you ever play the damsel in distress ever in your? Now that you've played such different strong characters till now, both two times, yeah. Will you ever play a weak, typical heroine, a weak? In my films, yeah. Yeah. I don't know, yeah, it depends on what part is offered and what exactly, why is the part there in the film and what is the whole plot of the film and if that part makes sense, really. You know what I'm saying? And if that part makes sense because the film is trying to say something else. You know, so it really depends on the plot. I don't know, I have no such things of what I should do and what I shouldn't do. It's literally the part comes and if it's exciting enough, then I'll take it. Yeah. Vikram, कमिंग बैक टू बॉम्बे वेलवेट जो जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो उसको बॉलीवुड से काफ़ी कुछ रिएक्शन नहीं मिला था नॉर्मली जो दूसरी फिल्में होती हैं एक्टर्स डू ट्वीट अबाउट दैट फिल्म बट बॉम्बे वेलवेट के लिए ऐसा कुछ नहीं मिला था एंड अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ अनुराग्स एरोगेंट बिहेवियर बॉलीवुड इज़ नॉट सपोर्टिंग हिम वॉट इज़ योर टेक ऑन इट या भैया अनुराग का एरोगेंट बिहेवियर तो आप उससे पूछो No, I think the reaction to the trailer is really good. It's just that Anurag has gone and done something very different, which is, you know, a person who's made movies for the last 10-12 years and the kind of movies he's made and the struggle he's gone through and the way he's moved cinema is unreal. It's a dream for anyone in the film fraternity to be able to do the kind of work Anurag has single-handedly done. And this is his next step. And I hope all of you and everyone in the industry realizes what it takes to come from where to here and just truly supports him in seeing this one through. We've also heard that Ranbir might not be, promoting this film. Is it true? Kya pata nahi aap kisse mil rahe ho aajkal? Haan, wo jisne likha usse puch lena, please. One question to Vikram and Vikas, you know, Phantom is extremely close to one actor who recently got engaged, that is Shahid Kapoor.
What are your reactions on the same? Congratulations to him. So it's true, right? I don't know. I also read it in the paper. we saw you all socializing at Madhu's. I love it how journalists pick up journalist news and ask us those questions. Aapas mein discuss kar lo na yaar. हमको यहाँ बैठ खुद लिखा हमको यहाँ बैठा दिया हमसे पूछ रहे हो आप लोगों ने जो लिखा ठीक है कि नहीं हाँ लेकिन अनाउंसमेंट तो दो दिन पहले हुआ था ना एंगेजमेंट तो एक हफ्ते पहले था आपके बड़े डेट्स हैं बाबा आई आल्सो रेड इन द पेपर सीरियसली रणबीर कपूर ना रणबीर हर्ष लुकिंग बैक हेलो Hi, looking back at the film now, do you feel there could have been some changes or improvements once you have made the film now with the responses? So what do you feel like? And how does I think I'll get to know about that after maybe 3-4 months once I'm really disconnected from the film. I've forgotten everything because it's been a really long journey. I mean, my partner Kirti and myself, we started this journey, I mean, some 8-9 years back. And right from the script and so many drafts that we have sat together, so it's there. I'm still breathing the film. So once I probably forget it totally and probably on to the next film, that's when probably I'll be analyzing it and agreeing with a lot of people who had issues with it and saying, yeah, I made a mistake. The only good thing is the tables have turned now. We're pitching ourselves as the producers to her saying, can we please produce your next film? राधिका मेरा सवाल आपसे राधिका अगर आपको अभी आपने वरुण धवन के साथ काम किया पिछली फिल्म में अगर आपको आगे मौका मिलता है तो आपको तीन चॉइसेस दी जाती हैं रणबीर सिंह रणबीर कपूर और सलमान खान किसके साथ काम करना चाहेंगे आप कहाँ है आपको देख लूँ पहले इधर इधर अरे ये काम लेफ्ट का मतलब क्या है व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय काम वासुगिरी आई पुट यू इन अ स्पॉट नाउ नाउ से ये बहुत ही पर्सनल सा सवाल पूछा आपने तो पर्सनल सा आंसर दे दिए तीनों यार तीनों चाहिए मुझे एक एक एक, एक प्लीज 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 एक ए भाई अगर वो इनको इनको ही चुन लो प्लीज थोड़ा और प्लीज मैंने इतनी रिक्वेस्ट कर दी आपसे आपको बता दिया एक और ऐसा इसे ही वाला प्लीज एक बार फिर से सर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो मैं बार बार क्या प्लीज प्लीज करूँ आप ही प्लीज कर दीजिए अरे सवाल तो इनसे है तो सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना तो मैं इनकी तरफ से बता दूं जी बिल्कुल कि ये किसके साथ आप काम ही बता दीजिए क्या है ना अलग अलग चीजें है एक मिनट नहीं एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल द थ्री और इतना मुश्किल सवाल मत पूछो यार सबके सामने बहुत ही मतलब एम्बैरेसमेंट विकास बहल सर को बता दिए वो हमें बता देंगे वो मेरे साथ काम करना चाहते या एक्चुअली दैट इज ट्रू थैंक यू हर्ष व्हाट वाज इट अबाउट गुलशन दैट मेड यू थिंक दैट ही इज अ परफेक्ट वासु मंदार फॉर योर फिल्म बोर हो गए अरे सबको मालूम है यार Already I mean, okay, refreshing it. But once it was written, I didn't think about an actor for it while writing it because it's based on a lot of these real life people. So, but one thing was sure, if I had done this film in the 70s or 80s, I would have loved to cast Amol Palekar. So I was looking for today's Amol Palekar. And this really normal, simple looking guy, you know, who's not so impressive. I mean, just by looking at him, but when I saw him finally in real life, he was. So I gave him the script, nevertheless, because I'd seen a few films of his. So the first thing that he told me after reading the script, the meeting, he said, you know what, if I actually approach doing this role, I mean, the way I will approach it is, I'll play it like Amol Palekar would do it, you know. I mean, that kind of style. So I said, yeah, that's it. You clinched it, man. I don't need to now brief you or anything. So he got the script instantly. I mean, the way I was actually envisaging the whole character, he got it in a flash. So I think that's why he's there. Hello. Hi, sir. Yeah. Hi, sir.
एक्चुअली आई लाइक द वे हाउ यू प्रेजेंट योर मूवी एंड योर ओपिनियन, लाइक जैसे आपने फ्री माइंड से प्रेजेंट किए वो मुझे बहुत अच्छे लगे. और ऐसे ही अगर आप फ्री माइंडेड, मतलब कुछ छुपाया हुआ नहीं, ऐसे फीलिंग्स आप प्रेजेंट करते रहेंगे आपके आगे मूवी से, तो अच्छा लगेगा देखने के लिए. जैसे ये हंटर में आपने जो दिखाया वो सब अच्छा लगा. और गुलशन सर, आपसे बात करना चाहता हूँ कि थैंक यू, थैंक्स थैंक्स, बहुत टाइम के बाद हंटर पे आया इसीलिए. थैंक्स थैंक्स. हाँ सर, मैं आपसे मतलब बिहाइंड द सीन्स जो फिल्म के बारे में आपसे कुछ आपके सुनना चाहता हूँ आपसे, कि ऐसे कुछ सीन्स या ऐसे कुछ किस्से हम सुनना चाहेंगे हंटर के बारे में जो जो एज अ व्यूअर हम देख नहीं सकते, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस ये मूवी में से. हाँ जी, रिहर्सल तो बहुत करवाते थे हर्षवर्धन, और मुझे खासकर रिहर्सल करना पसंद है क्योंकि सीन की जो बारीकियाँ हैं, हाँ जो लेयर्स हैं वो, और क्योंकि मैं और राधिका सब लोग थिएटर से थिएटर करते करते आए हैं तो हमें अच्छा लगता है रिहर्सल प्रोसेस. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट इट्स देयर चॉइस, आई रियली लव इट, क्योंकि जो लेयर्स हैं वो सब निकल के आते हैं और उसको आप बराबर से समझ के, और जो नहीं भी हैं कुछ नयापन भी डाल सकते हैं. तो इसलिए रिहर्सल्स बहुत 7-8 बार रिहर्सल करते थे, और फुटेज भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे ज़्यादा, तो असली बात तो ये है. हाँ, फिल्म में शूट की है, फिल्म पे, हाँ फिल्म पे शूट हुआ है तो सुपर 16. सो और दूसरी बात यह है कि एक मंदार का जो विजुअल हम क्रिएट करना चाहते थे कि जीता, वैसे वो सुमड़ी में बहुत रंगीन ज़िंदगी जीता है, लेकिन है आदमी दिखने में ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ही एवरेज है, जो हम में से कोई भी हो सकता है, हम में से बहुत लोग ऐसे, यहाँ 10-15 लोग वासु हो सकते हैं या औरतें भी हो सकती हैं, तो लेकिन पता नहीं चलता, ऐसा कोई वासु लुक नहीं है. तो यूजुअली क्या होता है, जैसे थोड़ा प्लेयर कैसानोवा प्लेबॉय जो होता है ना, इमेज जो जनरली परसेप्शन में आता है कि थोड़ा सुआव बंदा है, बहुत स्टाइलिश है, मस्त हेयर स्टाइल है, और मतलब सूट वूट पहनता है, और जब चलता है तो हवा चलती है, और लड़कियाँ तो हाय हो जाते हैं, तो वो इमेज से तो हटना था, एक ऑर्डिनरीपन जो मध्यम वर्गीयपन है जो, वो लाने की कोशिश थी. तो लुक ऐसा था कि बहुत ही ऑर्डिनरी, जो बचपन में एक चड्डी पहन के, वो सब टी शर्ट फिडो डिडो का टी शर्ट, वो सब. तो पुणे में शूटिंग कर रहे थे तो एक लड़का 8-10 साल का लड़का था, तो वो आया था, ये बिहाइंड द सीन्स की बात है, तो आया था, फिर देखा कि हीरो कौन है, तो मैं खड़ा था, तो मैं कहा मैं हीरो हूँ. तो फिर वो लड़का, ये हीरो है, अपने दोस्तों को, ये 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 हीरो है, तो ऐसे. तो मुझे तो तब मैं बहुत बुरा लगा था, दिल तो कर रहा था कि उसको दौड़ा के उसकी बम्पुटे पे 2-3 लगाऊं. लेकिन अब मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था, जो कहानी का जो हीरो है वो अनहीरो है, तो वो एक जो विजुअल है, विजुअली जो इम्पैक्ट करते हैं, तभी कहानी में मज़ा आता है. जब मंदार जो वासु है, जो वासु दिखता नहीं है, आपको पता नहीं है कि इतना प्लेयर आदमी है, तो वो हम वो सफलता हमें मिली. तो लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगा था, माय ईगो वाज रियली ब्रूज्ड एंड बेरीड लाइक 100 feet बिलो द ग्राउंड. सो दैट इज़ वन इंसिडेंट. और क्या इंसिडेंट है? या ओके ओके. हाँ, अब क्वीन के बारे में बात करते हैं. राधिका मैम से पूछना चाहूँगा यही क्वेश्चन आप. मुझे भी नेशनल अवार्ड मिलेगा ना एक दिन. मैम आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे हम. यार मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है. हाँ, एक किस्सा ऐसा था कि मैं पूना से हूँ, तो मेरी हिंदी जो है उसको बहुत, मेरा मराठी एक्सेंट आ जाता है हिंदी जब बोलती हूँ तब. अब तो कम हो गया, अब बहुत दिक्कत है. तो मुझे बहुत लोग कंप्लेन दैट यू नो योर हिंदी साउंड लाइक लाइक मराठी, एंड हर्ष रियली वॉन्टेड दैट. सो आई वॉज ऑल्सो शूटिंग फॉर माउंटेन मैन एट द सेम टाइम, एंड आई वॉज शूटिंग इन बिहार. केतन सर, केतन मेहता, ही वॉज रियली ट्राई मेकिंग मी स्पीक लाइक अ बिहारी. आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर हिम आफ्टर सम 17 टेक्स. कुछ तो गलत हो रहा है यार. ओह सॉरी, कुछ तो गलत हो रहा है. तो क्या गलत हो रहा है यार, 17 टेक हो गए, दो घंटा रिहर्सल हो गई, तू बिहारी लग रही है यार राधिका. आई डोंट नो, आई कांट बिलीव दैट, जहां मैं मराठी बात कर रही हूं. सॉरी, लग भी नहीं रही थी, बोल रही थी. तुम बोल रहे हो, वही तो. एयरपोर्ट से आए हो? सो दैट्स ऑल आई रिमेंबर. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much.
हालांकि हम जान चुके हैं लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट यू केम टू नो द योर फिल्म वॉन नेशनल अवार्ड एक मिनट सर पहला रिएक्शन था मैं एक्चुअली अपने प्रोड्यूसर्स के साथ एक कमरे में था जब एक मैसेज आया आई थिंक अनुराग को कि हमको नेशनल अवार्ड मिला है तो सबसे पहले उठ के हम लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे और फटाफट डिसाइड किया कि अब सेलिब्रेट क्या करेंगे विकास फिल्म की अगर बात की जाए फिल्म के रिलीज से पहले उतना बज नहीं था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई काफी उसका जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसकी लोगों ने तारीफ की उसके बाद मतलब लाइक बहुत फिल्म ने पिकअप किया है तो आज जब आप बना रहे थे तब आपने सोचा था कि फिल्म इस लेवल तक पहुंचेगी आई थिंक क्वीन जो फिल्म है वो एकदम पूरी ऑडियंस ड्रिवन फिल्म है क्योंकि आई थिंक हमारी जब ओपनिंग लगी थी तो हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग थी हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग लगी थी फ्राइडे को तो उस दिन तो हमें लगा फ्राइडे शाम तक की सब खत्म हो गया और फिर सैटरडे को पिकअप करी संडे को पिकअप करी तो आई थिंक क्वीन का जो भी सक्सेस है चाहे वो बॉक्स ऑफिस का हो या वो अवार्ड्स का हो या वो नेशनल अवार्ड का हो इज टोटली आई थिंक आई वुड गिव इट टू द ऑडियंस फॉर सपोर्टिंग द फिल्म थ्रू एंड थ्रू मैंने देखी नहीं है पर मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है तो आई थिंक अब फटाफट देखनी पड़ेगी विकास सर किसे डेडिकेट करना चाहेंगे और आप मानते हैं कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि फैंटम जहाँ से शुरू हुई थी आज एक 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 नाम बन गया है फैंटम जहाँ से शुरुआत करी थी आप क्वीन चाहे वो और फिल्में भी अलग अलग तरह की आप लोग लेके आ रहे हैं किसे डेडिकेट करना चाहेंगे सक्सेस खास करके क्वीन को लेकर आई थिंक क्वीन का सक्सेस इस समय एज फार एज वो नेशनल अवार्ड इज कंसर्न मैं एक आदमी विक्रम मल्होत्रा है जिन्होंने फिल्म बनाने में मेरी बहुत मदद की थी जिन्होंने जो मेरे मेन प्रोड्यूसर थे जब फिल्म बननी शुरू हुई तो मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा और जहाँ तक फैंटम का सवाल है हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और होपफुली हम इसी तरह मेहनत करते रहें ताकि आप लोग अच्छी फिल्में देखते रहें और हम सब हर फ्राइडे सैटरडे संडे इसी तरह खुशी खुशी घर जाए पेरिस में जब आपने शूट चालू किया था उस वक्त क्या फाइनेंसर ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे या बाद में आए या विकास आपके साथ शुरू से जुड़े रहे नहीं हम एक्चुअली पेरिस जब पहुंचे थे तो उस समय हमारे पास फाइनेंस नहीं था और सातवें दिन जब हम पेरिस में थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद हमको पैकअप करके घर वापस आना पड़ेगा पर लकीली उसी समय वायकॉम विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के वजह से हमने बाकी की फिल्म कंप्लीट करी और आज थैंक्स टू देम हम यहाँ खड़े हैं उसके लिए पैसे लगते हैं जब आपने पहला दिन पेरिस में शूट किया वो किसने फाइनेंस वो सब आप दोस्तों ने मिलकर फैंटम के लोगों ने वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा वो एक्चुअली हमारी हालत तो हमारे क्रेडिट कार्ड तक पहुंच गई थी तब तो हम पैसे विड्रॉ करके होटल के पैसे क्लियर करने वाले थे पर लकीली उससे पहले ही हमारी वो सेफ्टी नेट पहुंच गया उसके बाद सब विकास सर ट्रेडिशनल लोग फिल्म बनाते थे तो आपको लगता नहीं एरा खत्म हो रहा है पूरी तरह से अब एक नया युग जैसे अनुराग कश्यप का आपका इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री नहीं नहीं बिल्कुल चांस ही नहीं आई थिंक हम सब सीखते हैं फ्रॉम वेदर इट्स करण और वेदर इट्स आदित्य आई मीन हमारा तो अभी शुरू हुआ है तो ऐसा बहुत आसान होता है ये बोलना कि हमने 4-5 अच्छी फिल्में बनाई हैं तो अभी हमको सब आ गया है उन लोगों ने सालों से पिक्चरें बनाई हैं बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं और टू इवन कंपेयर आर सेल्स टू producers like that or directors like that is a unreasonable thing sir so, winning this national award as good as winning an aapko lagta hai do national award jeetenge aapke kandhe bahut heavy ho gaye nahi actually light ho gaye abhi mere kandhe light ho gaye abhi main jaake ek light film bana sakta vikas jab se Queen release hui hai kafi matlab iski journey kafi achhi rahi hai har award function mein kafi tareefein mili hai as a director aapki journey aap kya easy hui hai Queen ke baad sir I mean aasan sirf ye ho jata hai ki अभी आप फिल्म और फिल्में लिख सकते हैं होपफुली और फिल्में बनाने को मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में करने को मज़ा आता है मुझे फिल्में बनाने में बहुत मज़ा आता है तो मैं वो और फिल्में बना लूँगा होपफुली तो बस वो उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा एक मिनट रुक जाए यार मैं कहीं नहीं जा रहा मैं यही हूँ नहीं आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर आई थिंक प्लेटफॉर्म बड़े होते रहते हैं लाइक हमको जब हिंदी फिल्म में अवार्ड मिलता है वो एक लेवल का प्लेटफॉर्म होता है जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो वो अलग लेवल का प्लेटफॉर्म होता है ऑस्कर
इज अनदर लेवल. सो आप किसी भी लेवल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, पर सेटिस्फैक्शन एट दिस लेवल इज एक्सट्रीमली हाई. Maybe as much as winning that. विकास, आपने एक और बहुत ही बात यहाँ पे कही थी कि आपके पिताजी ने जो आपके बारे में कहा कि जब आप मरेंगे तो नेशनल अवार्ड विनर कहा जाएगा, आपके भी दिमाग में कभी ये चीज ऐसा ख्याल आता है? नहीं, मेरे दिमाग मैं सोच रहा हूँ मैं मरूँ क्यों क्यों सब मुझे मारने पे लगे. ओके सर, ओके, थैंक यू. इतनी तारीफें मिलेंगी, इतना क्लोज मिलेगा, यहाँ पे चिल्लाने का कॉम्पिटिशन है. नहीं, बोलिए आप. जब आपने क्वीन बनाए थे तो आपने सोचा था कि इस क्वीन की फिल्म को इतनी तारीफें मिलेंगी? इतना बिल्कुल नहीं सोचा था. एंड एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक टोटली ड्रिवन बाय द ऑडियंस, क्योंकि जब हमारी फिल्म फ्राइडे को खुली थी तो हार्डली एनी ओपनिंग लगी थी और उससे 60 टाइम्स ज़्यादा जाके बिजनेस किया फिल्म ने. तो आई थिंक टोटली डेडिकेटेड एंड driven by the audience. This क्या शानदार में भी वही दम रखते हैं जो क्वीन और चिल्ले पार्टी शायद शानदार. अनफॉर्चूनेटली ही डिड नॉट विन अ नेशनल अवार्ड. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हैव यू वॉच्ड हैदर एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिज परफॉर्मेंस? नो, आई हैव सीन शायद हैदर एंड आई थिंक ही इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म. ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स दिस ईयर एंड ड्यूली सो. आई हैव नॉट सीन विजय, सो आई कांट कंपेयर द टू टू से व्हाट इज बेटर, बट आई थिंक इवन दो विजय वन, आई थिंक शाहिद वुड हैव गिवन a very very tough fight. Vikas, aaj jab aap queen ki journey dekhte hain, sabse yaadgar cheez kya hai aaj jab ek national award jeet chuke, itne bade maqam pe pahunchi hai, queen se judi sabse yaadgar cheez aaj ke time pe kya hai? I think sabse memorable day wo tha jab humne socha tha ki hum 1 tarikh ko niklenge shoot karne ke liye aur uske 4 din pehle hamare को पता था कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तब तक पैसे आए नहीं थे. और अनुराग मेरे सामने बैठे, उन्होंने बोला बैग पैक करो, जाके फिल्म शूट शुरू करो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. और डोंट चेंज योर फर्स्ट डे ऑफ शूट एट ऑल. एंड आई द गुड थिंग इज वी पैक्ड आवर बैग्स, वी लैंडेड देयर एंड वी स्टक टू आवर फर्स्ट डे ऑफ शूट दैट ऑल ऑफ अस हैड डिसाइडेड एज पार्टनर्स. सो आई थिंक इट टेक्स ग्रेट टीम वर्क, ग्रेट प्रोड्यूसर्स टू बी एबल टू अचीव दैट. Do you believe that यहाँ तक कॉल के सक्सेस पार्टी हो रही है? How is it? It feels good. अभी सिंकिंग नहीं हुआ है पूरी तरह से. I'm just, I don't know, everybody, I'm just seeing happy faces, so I think slowly I'll get sort of used to the fact that this film is, has been successful. So it's good. बहुत मेहनत करके हमने ये पिक्चर बनाई है और इसका फल मिलता है और वो मीठा फल मिलता है तो अच्छा लगता है. एक मिनट, इसका एक और सवाल, इसके बाद आपका. हाँ बोल. No hesitation whatsoever. When I read the script, I liked it. First 10 pages was engaging. 10 पन्नों में पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है या नहीं है. वो किरदार मुझे अच्छा लगा, हर्षवर्धन अच्छे लगे मुझे, तो इसीलिए मैंने ये फिल्म किया. हाँ जी. मैं समझा नहीं. और दैट्स ओके, दैट मीन्स दैट पीपल हैव एंजॉयड द मूवी और ये टर्म इज बिकमिंग पॉपुलर एंड देव हैड अ गुड टाइम. So I'm sure I don't mind people calling me Vasu. एक मिनट. इतना दूर पता नहीं कोई सोचता है कि नहीं है. मैंने तो नहीं सोचा था जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि ये मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है और इसको कैसे करेंगे. काम के ऊपर पहले हमने ध्यान दिया, अभी जो फल है तो अभी थोड़ा मजा करेंगे हम लोग. डायरेक्टर ने कहा कि हम इन फ्यूचर में सोचेंगे पार्ट 2 या सीक्वल के बारे में. हाँ, सन ऑफ हंटर, हंट्रेस बनानी चाहिए आपको. अब तो हंट्रेस बनानी चाहिए राधिका के साथ. तो वासु का जो कैरेक्टर है क्या होगा वो? आप एक सुझाव दे दो ना, क्या हो सकता है वासु का? फीमेल क्या हो सकता है? बोलो वासु की वासुली सुझाव दो, एक दो क्रेडिट दिलवा दूंगा मैं. चलो. हाँ सर. सर अगर फ्यूचर में और भी आपको ऐसे फिल्म्स के अप्रोच आए? ऑलरेडी हो चुका है एक दो, ऑलरेडी कल और आज एक करके आए हैं थोड़ा. हाँ, बातचीत. ऑल राइट. एंजॉय करने वाले आपकी शाम तालू शाम क्या कुछ होने वाला है? वो आप आके देख लो ना.
कुछ नहीं, मैं तो सब सबसे मिलूंगा, बात करूंगा, सबको थैंक यू बोलूंगा, उनके सुख में मतलब ये जो एंजॉयमेंट में शरीक हूँगा। और सुबह सुबह की फ़्लाइट लेके मैं गोवा जा रहा हूँ, वहाँ पे दूसरी फिल्म की शूटिंग है, तो पैकिंग अभी किया नहीं मैंने, वहाँ से फिर मनाली जाऊँगा, फिर वहाँ पे भी शूटिंग है, हाँ तो गर्म कपड़े पैक करना बाकी है अभी। अभी बहुत ज़्यादा पार्टी भी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा पार्टी भी नहीं करूँगा, बस थोड़ी सी। ओके चीयर्स, थैंक यू। Hi. Happy with the response? Yeah, really good week, we've had. I'm hoping the next week will be very good too. I wish you should do a hat-trick now, because back-to-back you're coming for the success party, then the movie. Yeah, I know too. But, I mean, there's still time. I think the next one that is going to release is Mountain Man in August, so it's time. Anything? एक्चुअली कभी मैं सोचती ही नहीं हूँ, नहीं मैं कभी नहीं सोचती हूँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें, पर एक्चुअली वी स्टार्टेड दिस फिल्म 2 years अगो, तो एक्चुअली जब रिलीज हो रही थी तो हम सब सोच रहे थे कि यार ये दिन आ गया, यू नो, बिकॉज वी वर जस्ट रियली वेटिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर दिस फिल्म टू बी मेड एंड देन रिलीज, एंड देन सो वी रियली हैप्पी दैट इट्स रिलीजिंग एंड सक्सेस पार्टी इज अ बोनस। No, never, never. Not at all, not at all. You've seen the film, right? It's so lovely and like there's nothing to hesitate about. The best compliment mila ho jo aapko. Somebody messaged me, I won't tell you who, and they said you can kill with a smile. So I said, yeah, thank you. No. Thank you. Thanks a lot. I enjoyed the film. I saw it a week ago and I laughed a lot. I thought the actors were absolutely brilliant, especially the kids. They really did a great job. Of course, Gullu and Radhika, they're my friends, so I don't want to be biased, but they really were very good. Radhika was, you know, extremely natural and I really fell in love with her character. So generally I enjoyed it, yeah. If you get an opportunity or a chance to do a movie like this? It's already been done, so I'm saying it's already been done. I don't want to do something which has already been done. But same genre, same? Of course. I mean, it's an interesting concept and if it was, again, if it was an original story, this has now been done. So if somebody was making a remake, I probably wouldn't be doing it. But if it was an original idea, I would want to. We're coming out on the 17th of April, Margarita with a Straw. We're very excited. So fingers crossed you'll all be there at the cinemas and I'll see you there. My new look? It's not a new look, it's a very old hat. I wear it a lot. It's life, it's actually, you can make up what you want with it. So like, live your something existence.
beep existence. You can make up anything you want, you know. Let yourself feel ecstatic. I mean, you can make up whatever you want with the letters. That's the point of these hats, life hats. Yeah. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं शायद दे विल आइडेंटिफाई विद इट सो दे वर माय फ्रेंड्स सो इट्स बेस्ड ऑन देम एवरी पर्सन हु सेज दैट दिस हैपेंड टू माय फ्रेंड इज लाइंग लेट मी टेल यू दैट ऑलवेज इट हैपेंस टू यू बट देखिए सच सच बता दो यार वासु जो इसका ये किरदार है मंदार का किरदार है उसकी कितने क्वालिटीज आप अपने अंदर देखते हैं छोड़ूंगी नहीं मैं दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन कंप्लीट फिक्शन मेरे ऊपर तो बिल्कुल आधारित नहीं है एंड जब कास्टिंग की बात आई इस मूवी की कास्टिंग के बारे में ऑफ कोर्स वी विल टॉक टू द कास्ट आल्सो इन अ बिट कास्टिंग के पीछे क्या आइडिया था किस किस्म का होना चाहिए था आपका वासु सो द कास्टिंग हैड टू बी यू नो पीपल हु आर लुकिंग लाइक दैट यू नो द कैरेक्टर्स द वे सो व्हेन आई मेट गुलशन आल्सो आई थॉट या ही इज लुकिंग लाइक अ हंटर सो ही गेव मी दैट वाइब Alright, तो अभी गुलशन से खुद ही बात कर लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन गुलशन देवाया मंदार पोंक्षे हेलो कितना मजा आया ये पिक्चर करके गुलशन सच्ची सच्ची बिल्कुल मजा नहीं आया क्यों क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत टेक्निकल होते हैं आपको लगता है कि ये सब लव सीन किसिंग सीन्स बहुत मजा आता है एक्टर को लेकिन बिल्कुल मजा नहीं होता क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है और बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं और हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे तो 15-20 टेक तो करते थे बिल्कुल मजा नहीं आया जान निकल जाती थी करते करते इतनी सारी सुंदर होंठ वगैरह सूज जाते थे वैसे भी मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए हैं तो ये मुझे बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है आप फैशन के बैकग्राउंड से आए हैं जी पर जो मंदार को कपड़े पहनाए डायरेक्टर साहब ने पिक्चर में अगर आप लोगों ने ट्रेलर में गौर फरमाया हो तो मतलब इतने आड़े टेढ़े कपड़े पहनता है वो बेचारा तो दिल को ऐसे मतलब हर्ट नहीं हो या हर्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहां बैठी है वहां पे तानिया ओक नहीं ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर तानिया छह कपड़े पहनाती थी हम लोग उसको गंदा कर देते थे क्यों बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ द इन द फिल्म मंदार पोंक्षे इज एन ऑर्डिनरी पर्सन तो एक जब आम आदमी को अगर इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना होगा तो उसको आम लगना होगा सो द अटेम्प्ट वाज टू मेक हिम वेरी ऑर्डिनरी लेकिन वो करता है कुछ चीज़ें जो आम आदमी अचीव नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि हम भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जिएं बट उसको एकदम ऑर्डिनरी बनाना नॉट अ हेड टर्नर मतलब मंदार पोंक्षे जो अगर चल के जाएगा तो लड़कियाँ उसकी तरफ देखेंगे नहीं लेकिन मंदार हैज़ अदर वेज टू यू नो लड़कियों को हाँ तो ट्रेलर देखे तो आप तो समझ ही गए होंगे अरे मैं तो 10 बार देख चुकी हूँ गलती से देखा नहीं आ जाओ नहीं आई एम कमिंग दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट मेरी बीवी बैठी है वहाँ पे दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट प्लेटोनिक वी जस्ट मेट वी लिटरली जस्ट मेट दिस इज नथिंग इज गोइंग ऑन बट ट्रेलर देखकर मैंने कम से कम भी 10-12 बार ट्रेलर देखा बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग मुझे वासु के किरदार में मंदार पोंक्षे के किरदार में हर वो लड़का नजर आया जिसने जिंदगी में मुझे परेशान किया आज तक जिन हार्ट ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड हाँ वो ट्रेलर से इतना ही समझ आएगा इतना ही समझ में आएगा आगे की पिक्चर देख के पता चलेगा बट ये आपने ना पंगा ले लिया है बिकॉज अस इंडियन ऑडियंस हम लोग फिल्में बड़ी सीरियसली लेते हैं हाँ जी कहीं पे पिट गए तो कोई ना कोई तो मतलब तो गुस्सा निकालेगी आके अपनी कला के लिए हम पिटेंगे नो नहीं पिटेंगे इतना तो कॉन्फिडेंस है बिकॉज आई एम रियली कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी हैव डन We've set out to make an entertaining film that people will be able to identify with. It's a comedy. At the end of the day, it's a comedy. And bas utna hi hai. Pitne ka koi chances nahi hai aur pitne ka dar bhi nahi hai. Pitne ka koi dar nahi hai. Nahi, bilkul nahi. Mujhe to nahi hai, bhai. Tere upar hai. You have played it. He's the face. Mujhe to koi pehchanega nahi. Harsh ne to kaha ki inke sare friends se inspired hai Mandar ki kahani thodi thodi. Kuch apne personal inputs dale apne isme Vasu ke character mein. हाँ वो डालते थे लेकिन पर्सनल स्टोरी सम एनेक्डोट्स ऑलवेज विद अ डिस्क्लेमर कि मतलब मैंने ऐसा सुना है मतलब मेरे दोस्त की जिंदगी में ऐसा हुआ था या बट आई एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट आई'ड लाइक टू टेल यू कि ये पूरा फिक्शन है दिस इज अ फिक्शन दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन ना इनकी जिंदगी पे आधारित है ना मेरी जिंदगी पे आधारित है ना किसी की जिंदगी पे आधारित है सब काल्पनिक है ऐसे बहुत ख्याली आदमी ऐसे बैठ के सोचते हैं तो ख्यालों में ऐसा कुछ थॉट आ गया और Absolutely created from scratch, no real life inspirations. No, not at all. Is what the cast and Mr. Director is saying. मतलब I swear.
आई स्वेर वाइफ बैठी है सामने इसलिए है ना बार बार बीवी के बारे में क्यों जिक्र कर रही हो बहुत सारी रोशनी यहाँ पे बाद में अलग से बात करेंगे All right. So this is Gulshan Devaiya. Can we hear a huge round of applause for him, everyone? तालियां. Next up, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी the most pretty lady, one of the prettier ladies that you saw on that in that trailer, Miss Sai Tamankar. Is she here? Miss Sai, 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 no, Sai. No, she's. Oh. Her film is releasing tomorrow, so. Oh, so. I think मैं बोल लेता ना साई तमनकर. बड़े समय के बाद साई जी आप एक मराठी फिल्म के बाद हिंदी फिल्म में नजर आ रही हैं. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. गुलशन के साथ रीटेक्स लेकर कैसा लगा? बहुत टेक्स लगता है वो. मैं तो एक दो टेक में कर देती हूँ, लेकिन वो बहुत टेक्स लेता है. परेशान नहीं करता, लेकिन जानबूझ के टेक्स लेता है बार बार. गुड बॉय, अच्छा लड़का है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उससे होता नहीं है. डू एक्सप्लेन, उससे होता नहीं है. हाँ, मंजे मंजे, यू नो टेक्स. Let's take a break now on that note. Well, I'll Sai Tamankar, everybody, please. What a talent. What a talent. Now, okay. All right. So, unfortunately, Sai Ji is not here with us, but I will call the other pretty lady from the cast, Veera Saxena. Hello. Veera, 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 Veera. How do you keep your hair like that, yeah, Veera? You have gorgeous hair. It's a God gift. Fantastic. अब आप ये बताइए कि आपके साथ गुलशन ने कितने रीटेक्स लिए इस फिल्म में? Not too many, no? No, not too many. नहीं, इनके साथ बराबर हो गया. We had very like, say, entertaining, more entertaining scenes in the sense that running and all these things. Running? Hula hoop. Yeah, we had like hula hooping she scenes. She taught me how to hula hoop in 5 minutes. Yeah. Awesome. I can we hula hoop. We had like running and stressful like that. So I'm happy there were not too many retakes there. Fantastic. अब जितना कि हमें ट्रेलर से पता चलता है आपके रोल को देखकर वासु की वासनाओं के सताए हुए लड़कियों में से एक है आप इस फिल्म में. So do tell us a little bit about more, about your character. So my character is of this naive young girl. Mm-hmm. She gets quite taken by this person here. Mm-hmm. You can see his expression, and it's saying quite a bit about his character in the movie and what it does to my character. Yeah. I'm also supposed to be a very athletic person. Of course. Yeah. अच्छा वो swimming pool वाले shots हैं वो आप हैं जो पीछे से shots दिखाई दे रहे हैं. आहा जब ही ऐसा. Very nice, very nice. How was it working in this amazing star cast? It's a huge ensemble star cast. आपके सबसे बड़ा role है आपके लिए. Of course, we've seen you do theater and short films and yes, stuff. Yes. I have personally seen you do theater. Oh, you're fantastic. Thank you. But how was this entire experience for you? It was amazing. It was the first time I've ever done something like this. Mm. When I met them for the first time, I was really nervous and I didn't know what was happening pretty much. But I was really happy that I got selected for this part, and there was a lot of training involved before the shoot. Like diving in. Yeah. What kind of training? What kind of training? Oh yeah. Because you know, since my character is. Kya sikhaya aapko? No. Like my character is supposed to be an athlete, and she's supposed to be a swimmer. So I had to do a lot of training in that respect. Yeah, she became a very good swimmer. Actually, yeah. She's. I had to learn my how inspiration. To like. I can swim now, thanks to you. You can. That's great. He can hula hoop, he can swim. You've been really good to Gulshan in this film. Yeah. Well done. मैंने choose किया ना इनको. मैंने approve किया. सारे photographs लगे थे तो मैं बोला ये हाँ ये. इनको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उसके बाद. सर मैं अपने photos भी भेज रहा था अगली film के लिए. Casting तो ऐसे ही होता है. मैं भी भिजवा देती हूँ अपनी picture. ऐसे होता है ना casting. अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ, मीडिया वालों ने देखा, दो बार देखा. हाँ जी, शुक्रिया सर. अरे नहीं, अरे बिल्कुल एकदम. आई एम फीलिंग सो नाइस. एक टर्म इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म के लिए, कमिंग ऑफ एज फिल्म. क्या है हंटर के बारे में ऐसा कमिंग ऑफ एज? वो आप ऑफ एज निकाल सकते हैं उसमें से. इज दिस माइक वर्किंग? इनका माइक ऑन है. कमिंग डॉट डॉट डॉट. I think the mic is not working yet. सर मेरा वाला यूज कर रहा हूं, चलता है वो. पर तो सेकंड बेस्ट पे जाता है.
ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो की तीन आर लगाने की क्या जरूरत पड़ी इसमें हंटर में तीन आर है ना इनमें वो कम से कम तीन बार ही ट्राई करता है तो जाके कुछ होता है फैबुलस अब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई सर्स विकास एंड विक्रम व्हाट वाज इट अबाउट द स्टोरी ऑफ हंटर कि आपको लगा कि इसे बनानी चाहिए विक्रम इंस्टेंटली फेल्ट दैट ही कुड रिलेट टू इट सो आई वाज डिसओनिंग इट आई सेड कि नहीं ऐसा नहीं होता है बोले नहीं ऐसा ही होता है आई थ्रू अ टैंट्रम इन द सो हिम बीइंग द सीनियर वन वी हैड टू जस्ट गो विद इट आपके भी क्या फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है विक्रम जो जैसे कि हर्ष ने कहा I was the friend. Fabulous. क्या हम expect कर सकते हैं Hunter से when it hits cinema halls? Families will families go and watch this film together? is that going to happen? Of course, if they go as a family, they must go. Otherwise, families won't happen. अगर आपको family बनानी है तो अपनी family को लेकर जाएं. It's a family entertainer. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for. Of course, we're going to be talking to the music team also in a while. But अभी तक music के बारे में ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं हो. Can you shed some light बतौर producers? The music is also coming of age. Very mysterious this film is. ज़्यादा कुछ offer नहीं कर रहे producers. Music director है यहाँ पे. He's done some. It's a fantastic album. Yeah. नाम खामोश है बट इज अ म्यूजिक टू ऑफ कोर्स इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया है अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ लेकिन एक एक सवाल और आ गया मेरे जहन में गुलशन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप ट्विटर पे मंदार पोंक्ष जो इस वक्त कर रहे हैं ट्विटर पे मतलब बहुत डेयरिंग हुई अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया हुमा कुरैशी सोनाक्षी सिन्हा इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा बताने की कोई जरूरत नहीं कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरे मार देता है वो निशाने पे तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना तो इसीलिए डेयरिंग कर रहे हैं फिल्म में कह रहे हैं लेकिन सेकंड बेस पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर स्ट्रेटजाइज तो नहीं नहीं वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है अब आपने हाँ इट्स ऑनलाइन ना तो असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे ट्विटर पे कोई देख थोड़ी सकता है किसी को वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो मतलब पता नहीं कौन हो कुछ भी कर सकते हो वो चक्कर है ना अभी लग लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्षे को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने घास नहीं डाली कि डाली नहीं वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं सेकंड बेस्ट वाले तो मतलब कितने ड्राफ्ट्स बने हैं ये वो सो मैं जितना फर्स्ट ड्राफ्ट वाज आई थिंक अराउंड 400 पेजेस सो वहां से लेके टिल 120 पेजेस का जो सफर था मतलब मेरे बाल उसकी वजह से ही काफी गए हैं एक्चुअली 280 पन्ने काट दिए आपके हाँ बिकॉज मैं ये फिल्म का एडिटर भी हूँ तो मैं ऐसा सीधा रूथलेसली पेजेस फाड़ के फेंक देता था कि ये सब नहीं चलेगा भाई Fantastic. Harsh movie तैयार है रिलीज के लिए तैयार है बहुत जल्द हम सबके सामने आएगी बताओ डायरेक्टर हमारे मीडिया वाले जो आपकी आवाज पूरे देश तक पहुंचाने वाले आप क्या कहना चाहते हैं फाइनली उनको अबाउट हंटर बिफोर आई ओपन इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स या आई थिंक मोर ऑर लेस एवरीथिंग हैज बीन सेड अबाउट इट यही है कि यार ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और अभी तो फिलहाल सिर्फ 2.5 मिनट देखा हुआ है तो थोड़ा सब कुछ यू नो इट फील्स लाइक इट्स वेरी एक्सप्लोसिव एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बट एक्चुअली ऐसा नहीं है मतलब इट्स क्वाइट आई मीन इट हैज डिफरेंट थिंग्स आल्सो अदर देन जस्ट व्हाट यू आर सीइंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो व्हाट यू गाइस आर परसीविंग सो आई होप आई मीन दैट्स व्हाट गेट्स कम्युनिकेटेड एक शख्स हु विल बी मिसिंग आल्सो टुडे राधिका आप्टे नाउ राधिका इज ऑफ कोर्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस फिल्म राधिका जी जरा दो मिनट बात करेंगे आगे आके राधिका आप्टे लेडीज एंड जेंटलमैन हेलो हाँ गुल्लू
वो मुझे ऐसे मेरी दोस्त है तो मुझे हाँ गुल्लू टेल मी वन थिंग. अच्छा राधिका ये बताइए आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस टू वर्क विद गुलशन इन दिस फिल्म? अच्छा नहीं था. क्यों क्या किया? वो मेरा दोस्त है ना तो सब मतलब आप इतने मतलब सीरियस इंटेंस टाइप की एक्ट्रेस हैं, हमने आपको देखा है शॉर्ट फिल्म्स में वगैरह वगैरह. मैंने वैसा कुछ नहीं किया है, बहुत कॉमेडी किया है मैंने इसमें. बहुत कॉमेडी किया? हाँ बहुत कॉमेडी किया है. मैं करना चाहती हूँ ना ऐसे कॉमेडी फिल्में करना चाहती हूँ तो, लेकिन मैं जब भी डायरेक्टरों से मिलती थी मैं उनको जोक सुनाती थी लेकिन वो मुझे सीरियसली बहुत सीरियसली लेते थे तो हंसते नहीं थे, तो मैंने सोचा एक कॉमेडी फिल्म कर लेते हैं. हाँ गुलचंद को वैसे भी देख के लोग हंसते हैं ना तो को देख के वैसे हंसी आती है, वैसे उस खास मज़ा नहीं आया लेकिन मैंने सोचा थोड़ा करियर मतलब वो कॉमेडी फिल्मों में आने का चांस मिल जाएगा तो इसीलिए मैंने किया. हाँ अब आप बताएं, हर्ष भी वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. तो कौन पसंद है फिर? देखो आज मैं हूँ नहीं, बुलाए नहीं मुझे क्योंकि मैं इंग्लैंड में हूँ. पर राधिका ये बताइए कि आप इतनी मतलब खूबसूरत माशाल्लाह यू आर अ गॉर्जियस वुमन. हाँ कितने वासु मिले आपको लाइफ में? वो खूबसूरत इसीलिए हूँ कि जब से मैंने दाढ़ी उगाई है ना तब से मैं खूबसूरत बन गई हूँ. उससे पहले ठीक थी लेकिन आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ नाउ. सुबह 6 बजे मेरी शक्ल अलग होती है, 7:30 बजे चेंज हो जाती है. नहीं नहीं बट ये बताइए कि कितने वासु मिले आपको लाइफ में आज तक? बहुत सारे लोग मिले लेकिन एक से मैंने शादी कर लिया है, वो मेरा पति है अभी. वो एक इंग्लैंड से है, लंदन से, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा लड़का है. हाँ बहुत सुंदर है. हाँ वो सारे वासुगिरी मेरे साथ ही करते हैं, किसी और के साथ नहीं करता. राधिका आपके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए. वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल दाढ़ी वाली राधिका, वेल डन वेल डन. फोटो ऑप सारी की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं जरा साइड से निकल जाती हूँ. मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ यू नो एज एन एक्टर, तो एक ही सॉर्ट ऑफ जोन में फंसना नहीं चाहता हूँ मैं. तो जब भी एक मौका मिलता है तो एक कुछ जो लोग यूजुअली जो अब तक मुझे एसोसिएट करते थे कुछ नेगेटिव रोल से, कुछ ग्रे रोल से, तो एक ऐसा मौका मिला कि ये इस दायरे से छलांग लगा के बाहर निकलूँ. हाँ तो फुल है तब तो फ्लिप बोलते हैं ना, तो वो करने की कोशिश तो वही है. और काफ़ी टाइम से मैं कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमेडी करना चाह रहा था मैं. एक हल्की पुल्की फिल्म करना चाह रहा था मैं और हर्षवर्धन ने मुझे वो मौका दिया थ्रू हंटर. अच्छा गुलशन, अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जब स्क्रिप्ट आई थी आपके पास व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? आपको ऐसी टाइप की फिल्म करनी थी या किस तरह से आपकी क्या? स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले एक्चुअली मैं हर्षवर्धन को मिला था और उन्होंने एक नरेशन दिया था और मुझे बहुत मज़ा आया था. और पहले दिन में हम लोग कचिंग 2-3 घंटे हमने साथ बिताए और एक अच्छा सा बॉन्ड, एक तालमेल जम गया था बहुत जल्दी ही. और मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा रहेगा. और एक मेरे लिए तो बहुत अलग एक वही है ना कि एक अलग नज़रिए से देख रहे थे कि कोई मुझे ऐसे कॉमेडी फिल्में ऑफ़र नहीं कर रहे थे, सीरियस टाइप के रोल ही मिल रहे थे कि इसको मारो उसको मारो, इधर गाली दो या ड्रग्स. तो अच्छा लगा कि एक
एक इनकी नज़र ना मेरी तरफ जो नज़र जिस जो नज़र से ये देख रहे थे वो अलग था दूसरों से, तो मुझे वो बात अच्छा लगा। अच्छा, को-एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी रही? राधिका तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पहले से मैं उनको जानता था, तो उनके साथ काम करना, और मैं बहुत उनका प्रशंसक भी हूँ, और उनके साथ काम करना तो बहुत ईजी रहा। सई तमणकर के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ, शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, और बहुत ईजी था उनके साथ काम करने में। और पर्टिकुलरली जब आप बहुत कुछ एक जब लव सीन सब कर रहे होते हैं ना, तो एक एक्टर के साथ एक तालमेल, अच्छा तालमेल होना और भरोसा होना और भरोसेमंद होना, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच में ऐसी कोई तकरारें नहीं थी, तो एक दूसरे का ख्याल रखते थे हम। इट वाज रियली नाइस। और वीरा इज़ सच अ यंग फाइन टैलेंट, शी इज़ लाइक, मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वीरा सक्सेना कौन है। पहली बार हम लोग काम कर रहे थे तो शॉट देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मतलब तैयार एक्ट्रेस है। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, हमने तो यही सोच के बनाए ये फिल्म की लोग इसको जाके देखें एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक बहुत रियलिस्टिक स्पेस में इसकी सेटिंग है, इसकी कहानी है, और कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोग हैं वैसे ही हैं, लेकिन सिचुएशंस जो कहानी में हैं वो थोड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी है बस। किस तरह की फिल्म है एज देव बिन सेइंग इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, इट्स अबाउट मंदार पोंशे एंड हिज कैरेक्टर एंड ही इज क्वाइट अ प्लेयर इन द मूवी, लेकिन वो सुधर जाता है बाद में, ट्राई तो करता है सुधरने की। और माय कैरेक्टर इज़ ऑफ अ वेरी यंग एथलीट एंड आई एम अ स्विमर एंड मुझे तो मंदार से प्यार हो जाता है मूवी में, तो मेरी क्या हालत होती है उसमें और ये कैसे गुल खिलाता है मूवी में, इट्स अबाउट दैट प्रीटी मच। ओके, फिल्म अनुराग कश्यप बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद एवरीवन और किस तरह से खुद को आप देख रही है इस पर्टिकुलर फिल्म के? माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम वाज डैम गुड, इट वाज ग्रेट एंड वी शॉट फॉर अ वाइल एंड It was a great experience. Everyone was very nice. Now working with Gulshan, Radhika, Sai, Harsha, सबको मतलब इतना इतना experience है, सबने इतनी अच्छी अच्छी काम किए life में and तो थोड़ा डर तो लग रहा था beginning में, लेकिन अभी ठीक है। They were all very nice to me and they all made me very comfortable. So I'm very happy with that. So. अगर हम बात करना चाहें मूवी के गाने के लेकर, तो इस मूवी में कितने गाने आप पे फरमाए गए हैं? I think one or two. मुझे ठीक से पता नहीं है एक्चुअली, बट द म्यूज़िक इज़ वेरी नाइस और मेरे दो फेवरेट्स हैं ऑलरेडी गानों में, तो हाँ। थैंक यू, थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की फिल्म है और किस तरह से फिल्म का आगाज हुआ? इट्स अ कॉमेडी, इट्स एन एडल्ट कॉमेडी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है फिल्म, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी फनी फिल्म, इट्स आल्सो कमिंग ऑफ एज फिल्म, है छोटे बच्चे की कहानी है, यू सी अ गाय गोइंग थ्रू द एज, स्कूल में है, कॉलेज में है, अडल्ट है, क्या होता है, प्यार हो जाता है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई डोंट नो, हर्ष स्क्रिप्ट कम्प्लीटली, हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया। No, nothing. We just love the script. We love the film. ऐसा ही है मतलब, yes, basically. विकास बेल, आप, अनुराग कश्यप, फिल्म का एक दौर आगे थी, आप सभी फिल्म में काम कर रहे हो, किस तरह से फिल्म में बना रहे हो, तो आगे कौन कौन सी फिल्म है? आगे इस साल तो हमारा एक तो हंटर है, NH10 भी है, बॉम्बे वेलवेट है, शानदार है, धूमकेतु है, तो पांच फिल्म तो आएंगे इस साल फंडिंग की तरफ से, एंड दे ऑल वेरी डिफरेंट फिल्म्स, दे ऑल इट्स जस्ट talent based ke script achi lagi, we like the talent, we just back the film, it's very simple. Hunter se hame yahi expectation hai ke you know logon ko picture pasand aaye, jaane dekhe, and they basically tell all their friends to go see it. It's a very funny film. I have a lot of hope. I think the film will do very well actually.